गुड इवनिंग फ्रेंड्स, ज्ञान भारत में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। हम जैसे कि टॉरकॉम की बुक अदर वर्ल्ड्स का एक चैप्टर फ्रेंडशिप एंड द सेटल वर्ल्ड्स के बारे में हमने सुना था और समझा था कि कैसे हमारी फ्रेंडशिप पृथ्वी के अलावा हमारे सेटल वर्ल्ड्स में भी काम करती है। आज उसी बुक का दूसरा चैप्टर स्लीप यानी कि नींद को मैं लेकर आई हूँ और ये चैप्टर मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि हम सभी लोग नींद को सिर्फ एक रेस्ट के लिए या एनर्जी ठीक है मिलती है करके हम ले लेते हैं पर इसकी इम्पोर्टेंस नहीं जानते हैं। इस चैप्टर के माध्यम से आप जानेंगे कि आपकी नींद एक पवित्र चीज है जिसमें अनेक रहस्य छुपे हुए हैं। तो हमको अपनी नींद को बेहतर करते जाना है और ऐसा कौन सा चक्र है जो इस नींद में बाधा डालता है और हमारी लाइफ को भी डिस्ट्रॉय कर लेता है, तो उन सब के बारे में हम इस चैप्टर में जानेंगे स्लीप। टॉरकॉम सैडियन ने इस बुक को लिखा है। तो फ्रेंड्स, उसके पहले हम 45 मिनट का मेडिटेशन करेंगे और उसके बाद हम इसके ज्ञान को समझने का प्रयास करेंगे। तो अपने आप को मेडिटेशन के लिए तैयार कर लें। जिन्होंने भी चश्मे पहने हो चश्मे उतार लें, कमरे की रोशनी मध्यम कर लें। सुखासन में बैठ जाएं। हाथों की उंगलियों को फंसा लें, पैरों को भी क्रॉस कर लें। सरल और स्वाभाविक शांति से जो आपको निर्विचार कर आपकी ही आत्मा से जोड़ सकती है। पूरा ध्यान अपनी सरल और स्वाभाविक सांसों में। Thank you.
Thank you.
Thank you.
last 10 seconds. Five, four, three, two, one, zero. अपनी हथेलियों को खोलकर अपनी आंखों के ऊपर ले जाएंगे. फाइव, फोर, थ्री, टू, वन, जीरो. हथेलियों को खोलते हुए अपनी आंखों को भी आहिस्ता आहिस्ता एक प्यारी सी मुस्कान के साथ खोलकर ध्यान से बाहर आ जाएंगे. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फ्रेंड्स. आशा करती हूँ कि बहुत अच्छा ध्यान लगा होगा. कल अमित पुंज जी का सेशन है, जो पहले उन्होंने लिया था माइंड एंड माइंड मैकेनिज्म पे, उसी का ही सेकंड पार्ट है. और परसों से हम सिर्फ और सिर्फ इंटेंस मेडिटेशन करेंगे. एक मिनट. सॉरी फ्रेंड्स, एसी नहीं ऑन थी तो बहुत गर्मी है हमारे रायपुर में. तो आप लोग कल का सेशन जरूर अटेंड करिएगा, क्योंकि अमित पंज अंगिरस का बहुत ही अच्छा सेशन है. वो बहुत अच्छे मास्टर हैं और बहुत अच्छे से समझाते हैं. तो मैं चाहती हूँ कि मैक्सिमम लोग जूम में जुड़ें, और जो नहीं जुड़ पा रहे हैं वो यूट्यूब में भी कंटिन्यू करें. तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम द अदर वर्ड्स टॉर्कॉम सर्डियन की बुक का सेकंड चैप्टर स्लीप को हम जानेंगे. इसमें बहुत सारे चैप्टर्स हैं, मैं रैंडमली जो मुझे पसंद आ रहा है मैं ले रही हूँ, और हर महीने इसके दो या तीन चैप्टर्स आप लोग के साथ शेयर करूंगी, क्योंकि जितना मैं शेयर करती हूँ उतना ज्यादा समझती हूँ. तो आज का जो टॉपिक मैंने लिया है स्लीप, वो बहुत अच्छी है. और हाँ फ्रेंड्स, इसका पीडीएफ नहीं है, इसलिए बार बार मुझे मैसेज करके आप लोग मत मांगिए. मुझे ये चैप्टर इसलिए पसंद आया क्योंकि अभी तक के हमको लगता है कि ठीक है, हम सोते हैं, एनर्जी भी मिलती है, और शायद एक्चुअली कुछ कुछ काम करके आते हैं हम. पर इसमें बहुत सी चीजें ऐसी बताई जो सोचने के लिए है कि वाकई जब हम सोने जाएं तो कोशिश करें कि हमारा कमरा साफ सुथरा हो, हमारा मन साफ रहे, तभी हम सोने के लिए जाएं. तो कुछ पीपीटी में दिखाऊंगी, परंतु एक चीज मैं आप लोग को पहले बताना चाहती हूं कि जैसे जैसे अब हम एजलेस विजडम के बारे में जानेंगे, आप लोगों को थोड़ा बहुत उनकी लैंग्वेज का पता होना चाहिए. जैसे हम कहते हैं एथरिक वर्ल्ड, फिर एस्ट्रल, फिर मेंटल, फिर कॉजल, फिर सुप्रा कॉजल, और फिर निर्वाणिक वर्ल्ड. हम वो लैंग्वेज में बात करते हैं, पर एजलेस विजडम में आपको पूरे समय एक अलग चीज देखने को सुनने को मिलेगी. एक मिनट, पूरा मैं डिटेल में बाद में बताऊंगी, परंतु अभी जो मैं समझाना चाह रही हूं, क्योंकि फिर जब मैं बोलूंगी तो आप लोग कंफ्यूज नहीं हो. तो हम जैसे बोलते हैं वैसे एडस विजडम वाले फिजिकल वर्ल्ड, एस्ट्रल वर्ल्ड, लोअर मेंटल वर्ल्ड बोलते हैं, और हायर मेंटल वर्ल्ड बोलते हैं. लोअर मेंटल वर्ल्ड जो आदमी अपने दिनचर्या के कामों को कर रहा है, बहुत ज्यादा चिंता नहीं करता, या बहुत ज्यादा प्लान नहीं जमाता, या अच्छे कामों के लिए नहीं सोचता, सिर्फ अपने दिनचर्या के कामों के लिए सोचता है, तो वो लोअर मेंटल वर्ल्ड है.
और हायर मेंटल वर्ल्ड जो चिंतन करते हैं, कंटेम्पलेशन करते हैं, हायर प्लान्स बनाते हैं, लोगों की सेवा के लिए चाहते हैं या अपने में सुधार लाते हैं, जो भी होता है वो हायर मेंटल वर्ल्ड। तो वहां पे लोअर और हायर दोनों को अलग किया गया है। फिर इंट्यूशनल वर्ल्ड है जिसको हम कॉजल वर्ल्ड कह सकते हैं, जबकि हायर मेंटल वर्ल्ड में 40 है। 40 मतलब जो हमारा सहस्त्रार क्या बोलते हैं, लोटस, जिसमें हमारे सोलर एंजल्स रहते हैं हायर मेंटल वर्ल्ड में। फिर उसके बाद इंट्यूशनल वर्ल्ड है, फिर मोनेडिक, फिर डिवाइन वर्ल्ड। तो ये थोड़े से शब्दों का हेर फेर है, बाकी सब कुछ ज्यादा नहीं है। तो यहाँ पर अभी मैं रोक दे रही हूँ। तो ये वहां पे 7 वर्ल्ड्स या 7 प्लेन्स बताते हैं। इन सब के बारे में मैं किसी दिन और सेशन लूंगी, तब आप लोगों को बताऊंगी। अभी हम स्लीप के बारे में जानेंगे और देखेंगे कि कितने प्रकार की स्लीप है। तो कहते हैं कि स्लीप के 3 तरीके होते हैं, जो हरेक को अस्तित्व के अलग अलग क्षेत्र में ले जाएगा। कितने प्लेन्स हैं, हरेक के अपने स्लीप के तरीके से हम अपने उस प्लेन में जाते हैं, उस तल में जाते हैं। पहला रास्ता जाता है एथरिक प्लेन की तरफ। फिजिकल वर्ल्ड के बिल्कुल ठीक बगल में एथरिक वर्ल्ड है। एथरिक वर्ल्ड में कौन लोग रहते हैं, जो क्रिमिनल्स होते हैं, जिन लोग सुसाइड किए रहते हैं, एनिमल या बुरी एंटिटीज, वो लोग रहती हैं और कई जन्मों तक, कई शताब्दियों तक के भी रह सकती हैं, जब तक कि उनको कोई मास्टर आके लाइट दिखा के आगे की यात्रा न लेके जाए। एस्ट्रल वर्ल्ड उनसे भरी रहती है। तो पहला रास्ता लेके जाता है एथरिक प्लेन की तरफ, जो पृथ्वी के एकदम नजदीक का प्लेन है। और ये नींद जब होती है तब एथरिक बॉडी ग्लैंडुलर सिस्टम से आंशिक रूप से अलग होती है, पार्शली। देखिए, हमारे 3 ब्रेन में ग्लैंड्स हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पिट्यूटरी, पीनियल और हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस को मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं और ये हमारे विजडम के लिए, हमारे अवेयरनेस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। तो जब एथरिक प्लेन की तरफ व्यक्ति की आत्मा जाती है, एथरिक बॉडी जब जाती है, तो उस ग्लैंडुलर सिस्टम मतलब पीनियल ग्लैंड से वो पार्शली अलग होके चला जाता है। मतलब पीनियल ग्लैंड से अलग होता है, पार्शली ग्लैंडुलर सिस्टम से अलग होता है। और उस समय जब रहता है एथरिक बॉडी में, एक नॉर्मल इंसान की एथरिक बॉडी पूरी तरीके से नहीं निकलती है। टॉरकॉम कहते हैं कि सिर्फ जो एडवांस सोल्स होती हैं वो ही अपनी पूरी एथरिक बॉडी को लेके जा सकती हैं, बाकी लोग नहीं लेके जाते हैं। उस प्लेन में जाते हैं और वापस आ जाते हैं या वहीं पे ही नींद करके पूरी आ जाते हैं अपनी। और जब भी हम एथरिक वर्ल्ड में जाएं या एस्ट्रल वर्ल्ड में जाएं, जो सिल्वर कॉर्ड होता है उसके द्वारा शरीर की पूरी रक्षा और उसके काम चलते रहते हैं। और ब्रेन का पार्ट आप लोगों को मालूम है, आरएस, जो पूरा हमारा काम करते रहता है। और दूसरे प्रकार की नींद है एस्ट्रल बॉडी। एस्ट्रल बॉडी कहाँ से निकलती है, स्पाइन यानी कि स्पाइनल कॉर्ड से निकलती है। एथरिक पीनियल और एस्ट्रल बॉडी स्पाइनल कॉर्ड या स्पाइन से खुद को अलग कर देती है और एस्ट्रल बॉडी के रूप में वो ट्रेवल करना शुरू कर देती है। तब भी बॉडी का ध्यान रखा जाता है एथरिक हार्ट के द्वारा, सिल्वर कॉर्ड से सारे मैसेजेस मिलते रहते हैं। तो जब भी आदमी को एस्ट्रल वर्ल्ड में जाना है या मेंटल वर्ल्ड में जाना है, तब एस्ट्रल, अभी एस्ट्रल का समझ लो, अगर मान लीजिए एस्ट्रल बॉडी में जाएगा, उसके अगर एस्ट्रल सेंसेस और उसकी बॉडी अच्छे से डेवलप नहीं होगी तो वो वहां पर अच्छे से कुछ भी नहीं कर पाएगा, अच्छे से कुछ भी सीख नहीं पाएगा। सिर्फ जाएगा, इंद्रिय सुख ले लेगा, इधर उधर घूमेगा, अपने दोस्तों से मिलेगा, जिसको ड्रिंक्स करने का शौक है वहां पे भी ड्रिंक्स करेगा। और एस्ट्रल बॉडी किससे डिस्ट्रॉय होती है, सबसे ज्यादा होती है हमारी नॉनवेज खाने और जो ड्रिंक्स करते हैं, और इमोशन के द्वारा भी होती है। पर ये 2 चीजें जो हम फिजिकली अपने आप को देख सकते हैं वो ये है।
तो बहुत अच्छी एस्ट्रल बॉडी वेल फॉर्म्ड होनी चाहिए और एस्ट्रल सेंसेस व्यवस्थित रूप से काम करने चाहिए, तभी वो वहां पे जाके कुछ फायदा ले सकती है। तीसरे प्रकार की नींद होती है जब आत्मा सचेत रूप से मेंटल बॉडी को, स्वयं को, मतलब मेंटल बॉडी स्वयं को अपने ब्रेन के तीन ग्लैंड से अलग कर देती है। जब मेंटल बॉडी हमारी वेल फॉर्म्ड है, हर एक की मेंटल बॉडी फॉर्म नहीं है। जो लोग बहुत बुरे व्यक्ति लोग रहते हैं या जिनको सिर्फ अपने आप से मतलब है, दुनिया से कोई मतलब नहीं, पड़ोसी से भी उनको कोई लेना देना नहीं, न उनके प्रति कोई कंपैशन है, तो उनकी क्या रहेगी, मेंटल बॉडी बिल्कुल भी फॉर्म नहीं रहेगी। सबसे ज्यादा इसके ऊपर रिसर्च किया है थियोसॉफिकल सोसाइटी ने, और वो कहते हैं कि कई लोगों की, अधिकांश लोगों की मेंटल बॉडी डेवलप ही नहीं होती है, एक मिस्ट के रूप में धुंधली छाया दिखेगी आपको। और जो अच्छे से सोचते हैं, दूसरों के लिए भी सोचते हैं, लव, कंपैशन, सिंपैथी सब कुछ रखते हैं, उनकी मेंटल बॉडी थोड़ी बहुत बनती है। और जैसे जैसे सोल अपना अच्छा काम करते जाती है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग वगैरह ये सब, तो उसके बाद उसकी मेंटल बॉडी और ज्यादा डेवलप होते चले जाती है। अगर मेंटल बॉडी निकलती है तो वो ब्रेन के तीनों ग्लैंड से अपना संबंध तोड़ देती है उस समय, और आगे की यात्रा करने के लिए चली जाती है। यहां पर भी याद रखिएगा, मेंटल सेंसेस और मेंटल बॉडी वेल फॉर्म्ड में होनी चाहिए। और इस प्रकार की नींद में, मतलब मेंटल स्लीप जब करता है इंसान, तब सबसे ज्यादा सेवा करता है, वहां पर सीखता है और सिखाता है। हायर एस्ट्रल वर्ल्ड में भी करता है, पर मेंटल वर्ल्ड में ज्यादा करता है। तो स्लीप का जो फर्स्ट टाइप का बताए हैं, जो एथरिक स्लीप बोले हैं उन्होंने कहा है कि वो एक्चुअली डॉग स्लीप है। इस समय सभी लोग सपने देखते हैं, जो आपके बाहरी वातावरण और अंदर की स्टेट के इंप्रेशन और स्टिमुलाई हैं, जिसे आदमी अपने अंदर में भावना रखेगा, या जैसे उसका वातावरण रहेगा, जो ग्रीड या जो भी वासनाएं रहेंगी उसके हिसाब से वो अपने सपने देखता है। अब चूंकि वो एथरिक प्लेन में, फर्स्ट स्टेप की एथरिक प्लेन में थी, और वहां पे कौन सी थी, बुरी आत्माएं हैं, सुसाइड वाले हैं, क्रिमिनल्स हैं, तो वहां पर उसके ऊपर अटैक भी हो सकते हैं। और जो सेकंड टाइप की स्लीप है, लोअर एस्ट्रल वर्ल्ड और हायर एस्ट्रल वर्ल्ड दो में डिवाइड किया, ऐसे 7 है, पर यहाँ पे रफली हम बात करेंगे तो लोअर और हायर। तो लोअर अगर एस्ट्रल वर्ल्ड में जाते हैं तो आप जो भी आपके में वासना होती है, सेक्स, ग्लैमर्स, लालच या निगेटिव इमोशन, उसी में ही घूम फिर के अपने इंद्रियों को सुख लेकर वापस आ जाते हैं। और अगर आपके पास हायर एस्ट्रल वर्ल्ड के जाने के आप योग्य हैं, जो लोग गहरी प्रेरणा, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग और ब्यूटी, कंटेम्पलेशन, इन सब के लिए काम करते हैं। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग को मैं आप लोग को बताऊंगी, क्योंकि कई बार एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग का जिक्र आएगा। इसका मीनिंग होता है अमूर्त सोच। अब अमूर्त सोच क्या है, जैसे मान लीजिए मेरे को कुछ भी काम करना है तो पहले मैं सोचूंगी कि मुझे क्या करना है और उसके लिए मेरे को क्या क्या तैयारी करनी पड़ेगी। अच्छा, जैसे मान लीजिए, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ कि अब मुझे एक आइडिया या मेरी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग थी ये कि मुझे एक अलग से चैनल बनाना है जहां पे छोटे वीडियोज हो, हर एक कोई एक एक घंटे का वीडियोज नहीं देखता है, तो मेरे को एक अलग से चैनल बनाना है। अब उस चैनल का मैं नाम क्या रखूंगी, उसमें मैं किस टाइप की वीडियो डालूंगी, किस एडिटर को मैं लूंगी, कैसे मैं रिकॉर्ड करूंगी, कैसे मैं डालूंगी, ये सब मेरा एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग मेरे को कराएगा। और फिर जब उसको मैं उस प्लान को रियलिटी में लाऊंगी, मतलब कॉन्क्रीट थिंकिंग होगी जब मेरी कि हाँ ये आदमी काम करेगा, यहाँ पे मैं रिकॉर्ड करूंगी, यहाँ पर मैं अपलोड करूंगी वीडियो, जब मैं कर लूंगी तो कॉन्क्रीट थिंकिंग हो गई। पर पहले मैंने क्या सोचा था, कोई भी काम को करने के लिए पहले जब हम अमूर्त होके सोचते हैं, अमूर्त सोच जिसको बोलते हैं, जहां पे रियलिटी नहीं हुई है, वो अगर मान लीजिए वैशाली को मन होगा कि मैं एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग होगी कि मुझे सेंटर खोलना है,
तो अब उसको लगेगा कि मैं पहले सेंटर के लिए प्लेस ढूंढूं, फिर किसको मैं अपॉइंट करूंगी कि वो वहां पे ध्यान रखेगा, अच्छा मुझे वहां पे एक टीवी भी रखनी होगी, मुझे वहां पे एक स्पीकर भी रखना होगा, फिर वो लोगों को जोड़ेगी और एक सेंटर का करेगी। तो जितने भी क्रिएटिव वर्क होते हैं, चाहे पेंटिंग हो, चाहे फैशन डिजाइनिंग हो, चाहे कोई भी चीज हो, म्यूजिक कंपोज करना हो, वो सब एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग पहले लोग मन में करते हैं, उसको फिर मूर्त रूप में लेकर आते हैं। तो जो भी प्रेरणा पाना चाहता है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करता है, कंटेम्पलेशन करता है, वो हायर एस्ट्रल वर्ल्ड में जाता है। और टॉरकॉम कहते हैं कि सबसे अच्छा है कि आप सोने के पहले अपने रूम में थोड़ी देर के लिए आप म्यूजिक बजा लीजिए, बहुत ही प्यारी म्यूजिक जो आपको काम करे, शांत करे और आपको शरीर से बाहर जाने में मदद करे, क्योंकि हमको शरीर को छोड़ के जाना है। हम सिर्फ बिस्तर पर सो नहीं रहे हैं, हम और भी आगे अपने ट्रैवल या अपने काम को कर रहे हैं। और जब कोई व्यक्ति टीचिंग में रहता है, एजुकेशन या पॉलिटिक्स या इकोनॉमिक इंटरेस्ट या साइंटिफिक चीजों में जब लीन रहता है, तब वो हायर प्लेन में जाता है, वहां पे जाके वहां से ज्ञान लाता है। नरेंद्र मोदी भी जाते होंगे ना, तभी तो वो इतने अच्छे अच्छे प्लान जमा के आते कि इस कंट्री से सुलह कर लो, उस कंट्री के साथ समझौता कर लो। ऐसा हर चीज को स्पिरिचुअली नहीं जोड़ना चाहिए, हर चीज लाइफ में हर चीज है, इसलिए हर चीज को सोचना चाहिए। अब टॉरकॉम कहते हैं कि मान लीजिए आपके मन में बहुत ही कोई गंभीर सवाल है, अब आपको क्या करना है, अब आपको सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, आप उस गंभीर सवालों के साथ नींद में प्रवेश करें। जिन सवालों पर आप रिसर्च कर रहे हैं उनका, उनके आंसर आपको उन जगह पे ले जाएंगे जहां पर आपको, आप स्वयं उसका आंसर ढूंढ लेंगे या आपको दे दिए जाएंगे। टॉरकॉम ने एक और कर्म एंड रीइंकार्नेशन में बोला था कि जिस भी चीज के बारे में आपको करना है ना, ज्ञान लेना है, जैसे मैं कर्म सीरीज कर रही थी, तो मैं मतलब वो विजुलाइज करने के लिए बोलते हैं कि अपनी ब्रेन की एंटीना को विजुलाइज करो कि वो एंटीना उस जगह से जाके उस जगह से पूरी चीजों को, ज्ञान को लेके आएगा मेडिटेशन में या सोने के समय। तो ये भी बोलते हैं कि आपको जो भी चीज है आप उस जगह पे चले जाएंगे और आपको आंसर मिलेगा। नींद में आप इतने जगह जाते हैं, हायर वर्ल्ड्स में जाते हैं। पृथ्वी तो थ्री डायमेंशनल है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो बोलते आप खुद उत्तर आप ढूंढ लेंगे। अब जब अपन हर एक कोई रोज जा रहा है अपने एस्ट्रल वर्ल्ड में या मेंटल वर्ल्ड में या आगे की यात्रा भी, अब ये बोलते जब हम लौट के आते हैं सेटल वर्ल्ड से वापस, अब ज्ञान भी ले लिया, मेमोरीज भी हो गई कि चलो भैया मैं ये समझ के आ गई, अब वो रजिस्टर कहाँ होगा। तो जब एस्ट्रल बॉडी लौटती है तो वो स्पाइन में या एथरिक बॉडी में अपनी मेमोरीज को रजिस्टर करती है। ठीक सोने के, अब ठीक जागने के थोड़े मिनट पहले वो रजिस्टर करना शुरू कर देती है, क्योंकि आप एकदम अचानक, बहुत कम ऐसा होता है कि हम अचानक उठते हैं, हम थोड़ा हल्की नींद में आते हैं, फिर आंख खोलते हैं, फिर उठते हैं। तो वो कहते हैं कि आपके जागने के कुछ मिनट पूर्व आपकी एस्ट्रल बॉडी आपका रजिस्टर करती है स्पाइनल कॉर्ड और एथरिक बॉडी में, और आपकी मेंटल बॉडी आपके ब्रेन में उसको रजिस्टर करती है। अब रजिस्टर तो करती है, और ये थोड़ी देर पहले ही होता है, तभी टॉरकॉम कहते हैं कि आप हमेशा अपने बेड के पास एक पेन और पेपर लेकर रखिए। तुरंत उठते साथ ही आप अगर उस इंप्रेशंस को लिख लेंगे कि आपको जो मिला था वो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। मैं जब इसका कल नोट्स बना रही थी ना, मैंने कल ही नोट्स बनाए, मैंने रखना भूल गई, मैं खुद सोची कि मैं रखूंगी, बहुत भूल जाते हैं ना अपन पेन और पेपर लेके। सुबह मेरे को बहुत अच्छे से याद था कि मुझे क्या चीज मालूम चली थी या मुझे क्या चीज बताई गई थी, बहुत अच्छे से सुबह ने याद था। मैं बस वॉशरूम से बाहर आई और मैंने सोचा कि कॉपी पेन लेके मैं लिखती हूँ, जब तक कि मैंने पेन उठाया वो एवोपरेट हो गया था, और मैं पूरा दिन भर सोच रही हूँ कि क्या देखा था मैंने, मुझे याद नहीं। तो टॉरकॉम बोलते हैं आपका वो रजिस्टर होता है, आप लिखना शुरू करिए। अब बहुत कम लोग होते होंगे ना एकदम उठते साथ ही बिल्कुल कॉपी पेन लेके बैठ जाते होंगे और लिखे, पर लिखना चाहिए, इसीलिए बता रही हूँ कि आप, नहीं तो वो एवोपरेट हो जाएंगे।
हम जब सोते हैं तब भी हमारा ब्रेन एक्टिव रहता है, हमारे शरीर के साथ और एनवायरमेंट के साथ वो काम करते रहता है, और हमसे रिलेटेड स्पेस से जो भी इम्प्रेशन आते हैं उनको रिकॉर्ड करता है, जो भी हमसे जुड़े हुए विचार हैं, प्लान है, फीलिंग है, वो सब, क्योंकि ब्रेन बहुत सेंसिटिव है तो वो सब चीजें रिकॉर्ड करता है, और फिर हमारा माइंड और ब्रेन उन दोनों चीजों को जो हम उसने रिकॉर्ड किया है बाहर से या कॉस्मिक इम्प्रेशन जो आए हैं, इम्पल्स आए हैं, वो हमको ट्रांसलेट करके हमको एक अंदर से आता है ना कि हाँ ऐसा होने वाला है या ये नहीं होगा, ऐसा करके हमको बताता है, गुड न्यूज भी देता है और चेतावनी भी देता है। और जितना व्यक्ति इवॉल्व होगा उतना ही ज्यादा उसका रजिस्टर अच्छे से होगा, हम लोग के पास कम रहेगा, पर जो बहुत इवॉल्व है वो पूरा जानेगा कि मेरे ब्रेन ने मुझे क्या बताया है और मेरे लाइफ में या किसी की लाइफ में क्या होने वाला है। उन्होंने कहा है कि हमारे ड्रीम्स ऐसी ही इम्प्रेशन जो बाहर से आ रहे हैं, हमारी चिंताएं, हमारी वरीज, एक्सपेक्टेशन, सबका मिक्सचर होते हैं। रामपा ने भी यही कहा कि आप एस्ट्रल जो एक्सपीरियंस लेकर अपने बॉडी में आते हैं, हमारी फिजिकल बॉडी नहीं मानती। अब फिजिकल बॉडी बोलती है हम तो उड़ नहीं सकते, हम तो इस दीवार के पार नहीं जा सकते, पर एस्ट्रल बॉडी तो इस दीवार के भी पार जाती है, इस छत को भी लांग के और कहीं भी जा सकती है स्पेस में, मतलब उसके एक्सपीरियंस अलग है एस्ट्रल बॉडी के और फिजिकल के अलग, तो दोनों में हमेशा कॉन्फ्लिक्ट होता है। तो वो जो इम्प्रेशंस होते हैं वो लेके आ रही है और ये फिजिकल बॉडी नहीं मान रहा है, तब उसकी एक विकृत स्मृति बन जाती है। ये भी वही कह रहे हैं कि जो आपके इम्प्रेशन है, आपकी एंजाइटी, आपके वरीज, इन सब से मिक्स होके आपको ड्रीम्स के रूप में वो दिखा देते हैं। जितनी चेतना आपकी ऊंची होते चले जाएगी, आपके इस इम्प्रेशन का रजिस्ट्रेशन उतना ही स्पष्ट होगा, यानी कि ट्रांसलेशन बहुत सटीक रूप से हमको ब्रेन हमको करके देगा। तो कॉन्शियसनेस डेवलप करने के लिए अच्छी बुक्स पढ़ना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, पर कभी कभी, यहाँ पे मैं शॉर्ट बता देती हूँ कि कभी कभी बहुत स्ट्रांग फीलिंग है किसी को, किसी की एस्ट्रल बॉडी अच्छी नहीं है पर उसका मन हो रहा है कि नहीं मेरे को तो मेंटल वर्ल्ड में जाके कुछ अच्छा करना है, बहुत स्ट्रांग फीलिंग होगी, तो हो सकता है वो नींद में चले भी जाए मेंटल वर्ल्ड में, पर वहां से उसको किक मार के फिजिकल बॉडी में भेज दिया जाएगा, या वो वहां पर ऐसे अनकॉन्शियस कॉर्प्स के रूप में तैरता रहेगा, मतलब बेहोश हालत में इधर उधर घूमता रहेगा। और जरूरी नहीं है कि आप अगर एस्ट्रल बॉडी से बाहर निकले हो तो एस्ट्रल वर्ल्ड में ही जाओ, कई बार आप पैथरिक वर्ल्ड में रहते हो और आपको एस्ट्रल वर्ल्ड की इंप्रेशन रिफ्लेक्ट होती है, वो बहुत डिटेल में है, बस इतना समझ लीजिए कि जरूरी नहीं है कि हम जिस बॉडी के साथ गए हैं उसी वर्ल्ड में जाएं, उससे रिलेटेड या उसके लोअर में भी हम जाके दूसरे वर्ल्ड के इंप्रेशन को देख के हमको लगता है कि हम ये करके आए। ऐसा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है पर बुक पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर आपको सचेत रूप से इन क्षेत्रों में काम करना है तो आपको अपनी एथरिक मेंटल एस्ट्रल बॉडी को बढ़ाना चाहिए, विकसित करना चाहिए, मैच्योरिटी तक पहुंचाना चाहिए। मेडिटेशन, वेजिटेरियनिज्म, सर्विस, रीडिंग, ये सब आपके कॉन्शियसनेस को बढ़ाते हैं। आपके एथरिक बॉडी को आपकी कैसे बढ़ा सकते हैं, मेडिटेशन के द्वारा आपकी एनर्जी बढ़ती है, तो इन सबके द्वारा हम अपने इन बॉडीज को डेवलप कर सकते हैं। और टॉरकॉम यहाँ पे कहते हैं कि हो सकता है कि आपको लगे कि आप एक साधारण इंसान हैं। क्या होता है कि जब मैं एजलेस विजडम बताती हूँ ना, तो जब मुझे कई बार मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग को लगता होगा कि ये उन्हीं लोग के लिए है जो सर्विस में है, ऐसा नहीं है। यहाँ पर टॉरकॉम बोलते हैं हो सकता है कि आप एक एवरेज आपको लगे, पर कई बार आप सटल वर्ल्ड्स में एडवांस शिष्य रहते हैं पर यहाँ पे एक सामान्य जीवन जी रहे हैं, तो आपको लगेगा कि मैं कहाँ जा पाऊंगा इतने हायर प्लेन्स में। वो लोग, सामान्य लोग, उस सटल वर्ल्ड्स के हायर प्लेन्स में जाके बहुत काम भी करते हैं पर उनको याद नहीं रहता। तो ऐसा क्यों होता है?
तो टॉरकॉम कहते हैं कि पिछले जन्मों में हमने मन के एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग पर मेहनत किया, खुद को मेहनत के लिए समर्पित कर दिया, खूब एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कर रहे हैं और मेहनत भी कर रहे हैं, जिससे हमको हायर प्लेन्स में काम करने का अधिकार मिल गया कि ठीक है अब नीता भुजवानी जी अब आप आइए हायर प्लेन्स में आके आप काम करिए। पर मान लीजिए मेंटल यूनिट और मेंटल परमानेंट एटम्स के बीच में मतलब एक लोअर पुल लोअर ब्रिज नहीं बना, तो जब वो वापस आएगा तो उसको याद नहीं रहेगा। लोअर मेंटल वर्ल्ड और हायर मेंटल वर्ल्ड में एक ब्रिज होता है अंतःकरणा, है ना, जिनका अंतःकरणा डेवलप हो जाता है ना तो वो ज्यादा अच्छे से हायर वर्ल्ड्स में जा सकते हैं। तो उस ब्रिज का जो लोअर पार्ट है वो नहीं बना, तो वो आदमी को याद नहीं लगेगा, उसको लगेगा मैं यहाँ पे साधारण सा एक छोटा सा काम करने वाला इंसान हूं, पर वहां पर वो एक एडवांस शिष्य है। पास में हमने बहुत सारे अचीवमेंट्स किए, सर्विस किए, लेकिन जब जन्म लेते हैं तो सोलर एंजल्स जानबूझकर हायर प्लेन्स और ब्रेन के बीच में कुछ कनेक्शन को काट देते हैं। आप लोगों ने जिन्होंने भी सोलर एंजल्स के बारे में नहीं जानते हैं वो सोल साइंस में भी सोलर एंजल्स को ढूंढ सकते हैं उस सेशन को, और ज्ञान भारत में भी है। सोलर एंजल्स हमारे अंदर का गाइडेंस है, हमारा इनर गाइडेंस है, हमारा इनर गॉड है जो हमको गाइड करता है पूरे समय। तो वो क्या करता है, हायर प्लेन्स और बीच के कनेक्शन को काट देता है, ब्रेन के बीच के कनेक्शन को, तो इसलिए वो सेवा को याद करे बगैर यहां पर रह रहा है। या इसलिए भी काट दिया जाता है क्योंकि उसको यहां पर कोई विशेषता डेवलप करनी है, जैसे मान लीजिए ह्यूमिलिटी विनम्रता। अब मान लीजिए मुझे मालूम चलेगा अरे मैं तो बहुत अच्छी हाई एवॉल्व सोल हूं, मैं तो वहां पे इतना काम करती हूँ, तो यहाँ पे विनम्रता लाना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए वहां के कामों को वहां के एक्सपीरियंस को भूलने के लिए वो कनेक्शन को काट दिया जाता है ताकि कुछ स्पेशल क्वालिटीज आदमी डेवलप कर सके, है ना, और तीव्र इच्छा हो कि मैं हायर प्लेन्स के लिए अच्छा काम करूं, तो इसलिए भी कर देते हैं। तो यहाँ पर टॉरकॉम बोलते हैं आप बोलोगे जब पुल नीचे से कटा हुआ है लोअर ब्रिज बनानी है तो कैसे जाती है सोल ऊपर हायर वर्ल्ड्स में, तब क्या करता है कि सोलर एंजल्स आत्मा को लेकर जाती है और पुल का काम करती है। वहां पर जाएगी आत्मा सोलर एंजल्स के थ्रू, वहां पे अपना पूरा अच्छे से काम करेगी, जो जो उसको सीखना है सिखाना है सब करेगी, फिर वो अपने फिजिकल बॉडी में वापस आएगी, तब उसको याद नहीं रहेगा। और ये याद नहीं रखने का सिलसिला वो कुछ समय तक के रखती है, कई जन्मों तक के रख सकती है, जब तक के सोलर एंजल अलाउड नहीं करता कि ठीक है अब तुम अपना लोअर ब्रिज बना लो। और जैसे उसका लोअर ब्रिज बनेगा तब उसको मालूम चलेगा कि मैं कितनी अच्छी कितनी एडवांस सोल हूं। तब तक के वो यहाँ पे अपनी ड्यूटीज और अपने कामों को पूरा करते जाएगी। हर कोई जो सही तरीके से सोना जानता है वो हायर एंड लोअर वर्ल्ड्स के बीच एक पुल बन जाता है। लोअर वर्ल्ड्स क्या है, हमारा पृथ्वी, और हायर वर्ल्ड्स के साथ एक पुल बन जाएगा। जब आप ठीक तरीके से सोएंगे तब आप वहां से ब्यूटी और आइडियाज, ब्यूटी के विचार, मतलब हर चीज को हम क्रिएटिव जब करते हैं ना, सुंदर बनाते हैं पूरे चीजों के लिए। ब्यूटी का मतलब सिर्फ सौंदर्य को मत मानिएगा, ब्यूटी यहाँ पे एजलेस विजडम अच्छाई के लिए कहते हैं। जब वहां जाएगा हायर वर्ल्ड्स में तो बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज डायरेक्शन सब ब्यूटी के लेकर आएगा नीचे के लिए पृथ्वी के लिए। तो सबसे महत्वपूर्ण है कि आप देखें कि आप किस तरीके से जागते हैं, किस अवस्था में जागते हैं। अगर आप गुस्से में चिड़चिड़े होके डिप्रेस होके अनहैप्पी या डल फीलिंग के साथ उठते हैं तो इसका अर्थ ये है कि आप लोअर वर्ल्ड्स में थे। दूसरा, आप नेगेटिव फोर्स या लो एंटिटीज के साथ संघर्ष कर रहे थे, आपके ऊपर डार्क फोर्स का अटैक हुआ था,
आपने वहां पर किसी कारणवश एनर्जी लॉस्ट कर दी या आपकी सटल बॉडीज घायल हो गई। अब यहाँ पे जब भी एजलेस विजन का हम पढ़ेंगे तो हमेशा वो लो एंटिटीज और डार्क फोर्सेस और इन सब के बारे में बात करता है। तो हमको लगता है कि डार्क फोर्स क्यों इतना मेंशन करते हैं, क्योंकि टॉरकॉम जितना इसके ऊपर मेंशन करते हैं किसी भी एनलाइटेड मास्टर ने नहीं किया है। जैसे जैसे पृथ्वी हमारी 5 डायमेंशन की तरफ जा रही है, जितना हमारा लाइट एज बढ़ते जा रहा है उतनी ही डार्क फोर्सेस एक्टिव होते जा रही है। वो किसी भी तरीके से पृथ्वी पर मेडिटेशन, आत्मज्ञान, अच्छाई, ये सब चीजों को नहीं लाना चाहती। तो वो क्या करती है कि जब हम सटल वर्ल्ड्स में जाते हैं, एक साधारण आदमी जो सिर्फ मेडिटेशन कर रहा है उसके ऊपर भी डार्क फोर्स अटैक कर सकती है या लो एंटिटीज अटैक कर सकती हैं। तो आप ये मत सोचना कि जो सर्विस में है उन्हीं के ऊपर अटैक होगा, हम तो भैया सिर्फ मेडिटेशन कर रहे हैं, हमारे ऊपर क्यों होगा, हर एक के ऊपर। क्योंकि वो जो डार्क एंटिटीज हैं वो हमसे एनर्जी सक करती हैं, तो उनका काम ही है। तो इसके कारण अगर आप चिड़चिड़े उठते हैं तो आप ऐसे ऐसे में हो सकते हैं। और जब आप खुशी से सोकर उठते हैं तो अच्छे से गहरी नींद लेके उठते हैं तो आप बहुत खुश रहते हैं, आपके कॉन्शियसनेस का एक्सपेंशन होता है, आप क्रिएटिव हो जाते हैं, आपको सेवा करने का मौका होता है और काम करने की इच्छा होती है। तो आपको उन फैक्टर्स को खत्म कर देना है जिनके कारण आपके ऊपर नेगेटिविटी, मतलब नेगेटिव रिजल्ट्स मिले, ऐसे फैक्टर्स को खत्म कर देना है। उसके लिए टॉरकॉम कहते हैं सबसे पहले आप अपने कॉन्शियसनेस में डाल दीजिए, अच्छे से डाल दीजिए कि नींद पवित्र है, आपकी नींद में किसी भी चीज को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, क्योंकि नींद आपको हायर वर्ल्ड्स के संपर्क में लाती है। नींद में आप हजारों लोगों की मदद कर सकते हैं, उनको ब्यूटी, पीस, कोऑपरेशन का संदेश दे सकते हैं, मेडिटेशन भी सिखा सकते हैं, है ना। नींद के दौरान आपके पास सेवा करने का एक बड़ा क्षेत्र होता है, पृथ्वी से कहीं ज्यादा। यहाँ पे हम छोटा सा जूम सेशन चला सकते हैं, वहां पे हम बहुत ज्यादा कर सकते हैं, है ना। तो बहुत बड़ा क्षेत्र है, तो आपको अच्छे से नींद लेना चाहिए। और हम जब फिजिकल वर्ल्ड में घूम फिर रहे हैं तो हमको कोई प्रोटेक्शन की ज्यादा जरूरत नहीं है, हम चल फिर रहे हैं। पर जब हम सो जाते हैं, हमारी जो सटल बॉडीज एस्ट्रल वर्ल्ड में जा रही है या मेंटल वर्ल्ड में जा रही है, सटल वर्ल्ड्स में जा रही है, वहां पर प्रोटेक्शन की बहुत बहुत ज्यादा जरूरत है। और वहां पर प्रोटेक्शन हमको करता है हमारा सोलर एंजल। तो आपको अगर आपकी अगर रिश्ता अपने सोलर एंजल्स के साथ बहुत अच्छा है तो आपको किसी भी चिंता की जरूरत नहीं। आप जब भी सोएंगे, जिस भी वर्ल्ड में जाएंगे, सोलर एंजल आपको प्रोटेक्ट करेंगे। तो वो अच्छा रिश्ता कैसे बनता है? जब आप सदाचार जीवन जीते हैं, आप नेक और ईमानदार बने रहते हैं, त्याग की भावना रखते हैं, यदि ज्यादा पैसा है तो आप पैसे दें, पैसे से लोगों की मदद करेंगे, यदि कोई व्यक्ति दुखी है, आपके पास ज्ञान है तो आप उसको आध्यात्मिक ज्ञान देकर उसको सांत्वना दे सकते हैं, उसको जीवन के लिए एक होप दे सकते हैं, किसी को सलाह दे सकते हैं उसकी लाइफ के लिए कि नहीं तुम ये काम मत करो, ये तुम्हारे कर्मा का है, तुम समझो। आप समझ गए होंगे कि जब आप त्याग करते हैं, त्याग का मतलब सिर्फ पैसा से ही त्याग नहीं होता है, आप किसी भी तरीके से अपने टाइम वगैरह एनर्जी को देके उनकी मदद करें, या फिर ब्यूटी, गुडनेस, राइटियसनेस, जॉय, फ्रीडम, जो 7 प्रिंसिपल्स है उनको जो फॉलो करता है, उनका सोलर एंजल्स के साथ बहुत गहरा नाता होता है। अगर इन सब के विरुद्ध कोई जीवन जिएगा तो सोलर एंजल्स अपनी प्रोटेक्शन को हटा देता है, धीरे धीरे वापस ले लेता है, तब आदमी के ऊपर शारीरिक या सटल अटैक्स हो सकते हैं। अटैक तब भी होते हैं जब कोई व्यक्ति किसी रॉन्ग आदमी के साथ सेक्चुअल एक्ट करता है, या जब वो अपने साथी के साथ बेवफाई करता है, या जब वो परिवारों में दरार पैदा करता है। तो याद रखें, सटल वर्ल्ड्स इस बात से पूरी तरीके से अवगत है कि प्रत्येक व्यक्ति क्या करता है। आपको लगेगा कि आपको कौन देख रहा है, पर आप जो काम कर रहे हैं, सटल वर्ल्ड्स में हम सब नेकेड हैं, वहां पर कोई कपड़ों का आप
पहन के नहीं रहेंगे, आपकी जो सटल बॉडीज होगी, इवन कई बुक्स में लिखा हुआ है कि आपके सटल बॉडीज में इतने घाव होते हैं कि वो दूसरे लोग आपको देख के आपके ऊपर दया करते कि वो बेचारा पृथ्वी पे कितना गंदा काम कर रहा है कि उसकी पूरी सटल बॉडीज वुंडेड है। तो ऐसे वहां पर आप नेकेड रहते हैं। तो आपको करना क्या क्या है, सुधार करना है अपनी नींद में। इसके लिए जिस कमरे में भी आप सोते हैं उसको बहुत ही साधारण ढंग से फर्निश्ड करके रखिए, यानी कि कम से कम फर्नीचर और वस्तुएं हैं। कई लोगों को लगता है बहुत सारी चीजें रख लें, बहुत सारे हैंडीक्राफ्ट के सामान, तो कुछ प्लांट्स, खूब सारे गमले, ये सब चीजें नहीं, कम से कम रहना चाहिए और पूरा आपका कमरा साफ सुथरा रहना चाहिए। स्पेस में थॉट्स, इमिनेशन और एंटिटीज किसी की भी नींद में खलल डाल सकते हैं। जो कमरा है उसका जो स्पेस है ना, उसमें किसी के भी थॉट्स, मान लीजिए आपका कोई फ्रेंड है, बहुत मैं आप लोग को इसलिए अलर्ट कर रही हूँ क्योंकि मैंने ये सब चीजें को एक्सपीरियंस किया है। मैंने अपने घर में एक आश्रम बना लिया था, मतलब अपने घर को ही आश्रम बना लिया था, और मेरे घर में लोग आते थे, मेडिटेशन करते थे और यहाँ पे अपने प्रॉब्लम्स मेरे को ड्रॉइंग रूम में आके बता के जाते थे। घंटों उनकी मैं प्रॉब्लम सुनती थी, फिर उनको कभी कर्मा सिखाती थी, कभी कोई बुक्स देती थी, सब कुछ। तो क्या होता है कि जब भी कोई व्यक्ति अपने नेगेटिविटी को आपके साथ शेयर कर रहा है तो वो स्पेस उस नेगेटिव इमोशन से भर जाती है। धीरे धीरे मुझे यहाँ की एनर्जी में थोड़ा डिस्टर्ब लगा और फिर मैंने अपने घर में लोगों को शेयरिंग के लिए मतलब बुलाना बंद कर दिया कि नहीं मैं अपने घर में, इसीलिए जिन लोग अपने घर में सेंटर्स बनाते हैं उनको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। तो अगर आपके उस रूम वाले स्पेस में किसी और के थॉट्स, इमोशन या आपके भी गंदे इमोशन रोए हैं आप उस कमरे में, तो वो कमरा एब्जॉर्ब कर लेता है, वो भी आपके नींद में खलल डाल सकता है। इसके अलावा ऑब्जेक्ट्स और फर्नीचर से जुड़े थॉट्स, इमिनेशंस और इमोशंस भी ऐसा कर सकते हैं। मान लीजिए आपने बहुत अच्छा फर्नीचर रखा है, आपको बड़ा अटैचमेंट है, अरे बाबा उसको अच्छे से रख के सोना है मुझे, अच्छा बिल्कुल साफ सुथरा और कोई छुए मत, मतलब बहुत इमोशन हमारे जो अटैच होते हैं ना जिस चीज से, साफ सुथरा रखिए पर उससे इमोशन मत अटैच करिए, वो भी आपको आपकी नींद में खलल डाल सकता है। तो ये सारी सावधानियां और तैयारी आपको करना है और फोर स्लीप तक के आपकी सोल को बांध के रखती है लाइट, तो आपको अपने कमरे को भी डार्क करना है जब आप सोते हैं। फोर स्लीप के बाद आपके रूम में लाइट भी जलते रहेगी तो आपकी सोल नहीं बंधेगी। तो अब यहाँ पर हाँ, यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोल रहे हैं, सेवन स्लीप्स मैं बाद में बताती हूँ, कि जब लोग पहले चरण में, पहले स्टेप में नींद में जाते हैं, मतलब इथरिक, जैसे मान लो मैं गई पहले, तो पहले मेरे को उथली नींद आएगी, फिर गहरी नींद आएगी, तो पहले मैं एथरिक प्लेन में हूं। तो जब पहले चरण में जाते हैं, एथरिक बॉडी बन के एथरिक वर्ल्ड में गई, उस समय पोस्ट हिप्नोटिक सजेशंस का खतरा होता है। उस समय यदि मान लो कोई आके मेरे को कोई गंदी चीज बोले, कोई गंदा काम करने के लिए, तो वो एक ऑर्डर के रूप में मेरे अंदर चला जाएगा। वो इतना उस समय वल्नरेबल रहते हैं हम कि हम उस सजेशन को कमांड के रूप में लेते हैं और वही काम करते हैं। बातचीत, संगीत या उनके आसपास की घटनाएं सम्मोहन के सुझाव के रूप में चेतना में प्रवेश करती हैं। हॉस्पिटल में अधिकांश पेशेंट नींद की ऐसी ही अवस्था में रहते हैं। जो पेशेंट है वो मोस्टली उथली नींद में रहेंगे, टूटेगी, जगेंगे, फिर सोएंगे, तो वो उस समय वो एथरिक प्लेन के में ही हैं और एथरिक बॉडी में ही हैं। उस समय जो भी डॉक्टर्स, नर्सेस, पेशेंट्स या विजिटर्स की बातचीत उनको उनमें हिप्नोसिस के सजेशंस के रूप में प्रवेश करती है। किसी भी एक्सीडेंट या बीमारी के बाद हॉस्पिटल में जब इंसान रहता है कुछ टाइम, तो वहां से लौटने के बाद वो बहुत सी नई नई आदतें भी बना लेता है।
क्योंकि उसने नींद की अवस्था में ऐसे सजेशंस को कमांड के रूप में एकत्र कर लिया है और बाद में ऐसे कमांड को आदतों के रूप में पालन करना शुरू कर देता है और ये फिर उसको हटाना बहुत मुश्किल होता है। वहां पर एक एग्जाम्पल देके बता रहे हैं, ये बहुत बड़ा चैप्टर है, उसको मैंने बहुत शॉर्ट में किया है। एक एग्जाम्पल देके बताते हैं कि मान लीजिए एक पेशेंट सोया हुआ है, अभी फर्स्ट स्टेप में ही है नींद के, आसपास के लोग बात कर रहे हैं, कोई मान लीजिए कोई कंपाउंडर दो लोग बात करें कि चलो एक सिगरेट पीते हैं, सिगरेट पीने से बहुत टेंशन दूर हो जाता है और सिगरेट बड़ा अच्छा है, ऐसा वैसा कुछ करके। अब उसके में ये हिप्नोटिक सजेशंस चले गए, अब वो जब ठीक हो जाएगा बाहर जाएगा तो अब उसके मन में इच्छा होगी कि मैं सिगरेट पीऊं। अब वो सिगरेट खरीदने जाएगा, मैच बॉक्स खरीदेगा, फिर अकेले बैठ के पिएगा, पर उसको बार बार लगेगा कि मैं इसके पहले तो सिगरेट वगैरह कभी नहीं पीता था, मुझे ये गंदी आदत क्यों लगी, इसको मैं छोड़ता हूँ। तो वहां पर उसके में एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा होगा कि मैं छोड़ना चाह रहा हूं पर मैं ये छोड़ क्यों नहीं पा रहा हूं। तो वो इतनी बुरी तरह से वो एडिक्शन आ जाएगा आपको हॉस्पिटल या जहां पे भी आप सो रहे हैं, मतलब आप किसी के घर में भी जाके सो रहे हैं तो आसपास लोग क्या बातचीत कर रहे हैं वो भी आपके उसमें चला जाएगा। आप समझ गए होंगे कि ये स्मोकिंग का एक एग्जांपल बताए हैं, बाकी बहुत सी चीजें हैं जो उस दौरान हमारे में जा सकती हैं। एक रीडिंग के लिए मैं पढ़ रही थी बुक को कि सूडो रीडिंग भी होता है, कि जैसे आपको कोई चीज अच्छे से याद नहीं हो रही है तो आप क्या करिए कि आप उसको अपनी ही आवाज में टेप करके रख लीजिए और जब आप सो रहे हैं तो उसको एक स्लो वॉल्यूम पे चला दीजिए। जब आप नींद में जाएंगे तो वो आपको अपनी ही आवाज में सुनाई देगी और वो आपके माइंड में बैठ जाएगा और आपको वो कभी नहीं भूलोगे, ऐसा बोला जाता है। तो ये वही हिप्नोटिक सजेशंस का ही है। तो तब टॉरकॉम बोलते हैं कि जब एडिक्शन या कई आदतों के विक्टिम को जब इलाज करे तो उनको एक सामान्य वातावरण से अलग स्थान पर और अलग लोगों के बीच में करना चाहिए, नहीं तो फिर से ऐसे ही लोगों के बगल में रह के फिर से वैसे ही सजेशन लेके उस आदत को कभी छोड़ ही नहीं पाएंगे। फर्स्ट स्टेट में सबसे पहले ये पोस्ट हिप्नोटिक सजेशन जा रहे हैं। जो सेकेंड स्टेप है स्लीप का, मतलब एस्ट्रल वाला, वहां पर सजेशंस को भेजना थोड़े मुश्किल हो जाते हैं। और थर्ड स्टेट मतलब मेंटल स्लीप जब कर रहा है इंसान, तब ये प्रवेश करना इम्पॉसिबल हो जाता है। फिर आप उसके सामने कितना भी कोई गलत काम करने के लिए बात करें वो नहीं एब्जॉर्ब करेगा। तो फाइनली हम कह सकते हैं कि जब हम उथली नींद में होते हैं तब सोल सुस्त स्थिति में होती है, तब हिप्नोटिक सजेशन आसानी से डाले जा सकते हैं। नींद के विज्ञान का अध्ययन करना आवश्यक है क्योंकि इसमें महान छिपे खजाने हैं और कम उम्र से ही बच्चों को इस साइंस ऑफ स्लीप के बारे में समझाना चाहिए और उन्हें दूसरों की नींद का सम्मान करना सिखाना चाहिए। सोने वालों के प्रति वो केयरफुल रहें, बच्चों को समझाएं कि अगर पापा मम्मी सो रहे हैं या दादा दादी सो रहे हैं तो उनको बिल्कुल डिस्टर्ब मत करो, क्योंकि हो सकता है कि उस समय वो हायर वर्ल्ड से कनेक्ट हो रहे हों। और कभी किसी को नींद में झटके से भी नहीं उठाना चाहिए, तो बच्चों को आप समझाइए ये साइंस के बारे में। फ्यूचर में लोग इंसुलेटेड रूम्स बनाएंगे जहां पर शोर और कन्वर्सेशन उन तक के किसी की भी ना पहुंचे। अब मैं यहाँ पे 7 स्टेप स्लीप के थोड़े से जल्दी जल्दी बताती हूँ, मेन 3 ही मैं बताऊंगी क्योंकि बाकी तो हायर इवॉल्व सोल्स के हैं। तो ये 7 टाइप की स्लीप है, एथरिक स्लीप, एस्ट्रल स्लीप, मेंटल स्लीप, इंट्यूशनल स्लीप, आत्मिक स्लीप, मोनेडिक और डिवाइन स्लीप, इनके प्रकार हैं। तो फर्स्ट नींद को हमने बताया था, हाई वॉल्व सोल 4 स्लीप से लेती है, मतलब जो बहुत ही उच्च है वो 4th से इंट्यूशनल स्लीप से ले जाती है और सबसे ज्यादा डीपर स्लीप उन्हीं का ही होता है, 4th, 5th, 6th, 7th। जैसे एडवांस सोल लोग सोते हैं ना, जो एडवांस है वो पहले स्टेट से तुरंत दूसरे स्टेट पे जाएंगे, फिर तुरंत तीसरे और फिर 4th में चले जाएंगे। पर जो लेस डेवलप्ड सोल है, जो कम विकसित है, वो पहले वाले प्लेन में ही हाफ स्लीप हाफ अवेक, समझ गए ना, डॉग स्लीप जिसको कहा था,
क्योंकि वो पृथ्वी और एथरिक वर्ल्ड के बीच में ही फंसे रहते हैं। और ये नींद कोई भी फायदा नहीं करती है, सिर्फ एक उनके शरीर के लिए रिचार्जिंग प्रोसेस है। अब सेकेंड स्लीप है, एवरेज लोग जो लेते हैं, अधिकांश लोग एस्ट्रल स्लीप है ना, उसमें सपने देखेगा, इंद्रिय सुख लेगा, और अगर हायर वर्ल्ड में गया तो कुछ सीखेगा, सिखाएगा और करके हैं। अब मेंटल स्लीप में दो टाइप के हैं, जैसे लोअर मेंटल और हायर मेंटल। तो लोअर मेंटल स्लीप में जब जाएगा तो वो कार्मिक लॉज के बारे में और दुनिया के समस्याएं कौन कौन सी हैं, बाधाएं कौन सी हैं, कठिनाइयां कौन सी हैं, उनसे संबंधित ज्ञान को वो अर्जित करता है। और हायर वर्ल्ड्स, हायर मेंटल प्लेन में जब जाएगा तो मानव और प्रकृति से संबंधित एजोटेरिक, ब्यूटी, इन सब से ज्ञान लेगा और मानव आत्मा के बारे में, अमरत्व के बारे में, और एडवांस सोल्स जो होती है ना, मतलब टीचर्स जो होते हैं, उनसे भी वहां पे वो ज्ञान लेता है हायर मेंटल में। अब जो फोर्थ स्टेट है, हो सकता है हम में से कोई जाता हो, तो मैं इसीलिए फोर्थ स्टेट तक के ठीक से बता दे रही हूँ आप लोग को। ये मन और बुद्धि के पार जब चले जाते हैं तब ये फोर्थ स्टेट की स्लीप होती है। इसमें आत्मा के बारे में जानते हैं, मिस्ट्री ऑफ लाइफ, जीवन के रहस्य जानते हैं। इस समय भी आत्मा कुछ भी रिकॉर्ड नहीं करता, कुछ भी याद नहीं करता इंट्यूशनल स्लीप लेने के बाद, क्योंकि या तो वो कम्युनिकेशन लाइन नहीं बनी है मेंटल प्लेन और इंट्यूशनल प्लेन के बीच में, इसीलिए माइंड उसकी वहां के एक्सपीरियंस को, उस माइंड के पास वो कोई लैंग्वेज नहीं है कि उसके एक्सपीरियंस को ट्रांसलेट कर सके, या आत्मा को लगता है कि वहां के क्यों मैं एक्सपीरियंस को रिकॉर्ड करूं, फालतू है, कोई जरूरत नहीं है। या सोल अपने साथ उन रहस्यों को, उस वहां के ज्ञान के रहस्यों को पृथ्वी पर नहीं लाना चाहती, क्योंकि डार्क फोर्स का खतरा होता है। इस फोर्थ स्टेट में जो सोते हैं उन लोग गुरुओं के आश्रम में भी जाते हैं, हायरार्की के साथ संपर्क करते हैं, जहां पर उनको हायर प्लान, विजडम सब बताया जाता है। एक मिनट। अब फिफ्थ में और ज्यादा वो अध्ययन करने जाएगी, अनुशासन में रहेगी, सेवा में कई दिन तक के वो भाग लेगी और कई कई दिनों, कई कई हफ्तों के लिए शरीर में नहीं लौटती। आपको याद होगा रमन्ना महर्षि जब गहरी नींद में जाते थे तो वो कई बार उनके बॉडी का ध्यान रखा जाता था। ये फिफ्थ नंबर की स्लीप पे इतने लंबे टाइम के लिए चले जाते हैं। फोर्थ से लेके सेवन तक के सिर्फ हाई वर्ल्ड सोल सी जा सकती हैं, हायर वर्ल्ड्स में जाती हैं। टॉरकॉम कहते हैं नींद का पूरा एक साइंस है, लोगों को सीखना चाहिए कि कैसे सोएं, कहाँ सोएं और क्या न करें। तो आपको जैसे मैंने रूम्स के बारे में बताया था, तो उन्होंने कहा है कि जिस भी रूम में आप सोते हैं वहां पर जानवरों को नहीं रहना चाहिए, जो पेट्स आप पालते हैं ना उस रूम में बिल्कुल नहीं रहने चाहिए। कोई भी रुका हुआ पानी, बहुत सारे कई लोग अपने रखते हैं बाउल्स वगैरह को सजा के, वो सब नहीं रहना चाहिए। कुछ विशेष प्रकार की गंध, बिजली के तार, मशीनरी, शोर, कुछ पेड़ और फूल, उन क्षेत्रों से हटा देना चाहिए जहां पर आप सो रहे हैं। और लाइट के बारे में मैंने आपको बताया है कि लाइट भी नहीं रहनी चाहिए। खूब सारी हमारी मेंटल और इमोशनल चीजें हैं जो सोल को हायर वर्ल्ड्स में जाने के लिए रोकती हैं। सबको मालूम है जितने नेगेटिव इमोशंस हैं, फियर, एंगर, हेट्रेड, जेलसी, रिवेंज, ये सब चीजें, एरोगेंस, प्राइड, ईगो, ग्रीड, ये सब रोकती हैं हायर वर्ल्ड्स में जाने पे। या फिर कुछ पोस्ट हिप्नोटिक सजेशंस भी अनुमति नहीं देते कि उनको जाए। नींद में एक और चीज बहुत ही शक्तिशाली है जो बहुत ज्यादा हमको बाधा डालती है, वो है अटैचमेंट्स। सोने से पहले व्यक्ति को रोज ये अपने डिटैचमेंट का पालन करना चाहिए
और उसको रोज अपने आप को याद दिलाना चाहिए कि जो भी चीजें मुझे ये संपत्ति दी गई है, ये घर है, कार है, बैंक बैलेंस है, ये सब कुछ चीजें दी गई है, वो मेरे को नेचर ने उपभोग करने के लिए दिया, ये मेरा नहीं है, मेरे को इसको एक दिन छोड़ के जाना है, और ये मुझे सिर्फ उपयोग के लिए दी गई है कि अच्छे कामों के लिए मैं उसको उपभोग करूं, और ये नाशवान है, मेरे से छीना जा सकता है। मटेरियल थिंग्स के प्रति अटैचमेंट एक गंभीर पाप माना जाता है, खासकर जब इन चीजों के लगाव के कारण आप दूसरों को पीड़ा पहुंचाते हैं, जब पैसा कमाने के लिए लोग गबन करते हैं, छल कपट करते हैं, ये सब करते हैं, तो वो उनको हायर वर्ल्ड्स में नहीं लेके जाने देता उन, और जो लोग बहुत अपने चीजों के प्रति भी अटैचमेंट रखते हैं और उन चीजों के लिए घृणा करते हैं, लोगों से क्रोध करते हैं, बदला लेते हैं, मतलब समझ रहे हैं, प्रॉपर्टी या आपके सब चीजों के लिए जमीनों की लड़ाइयां वड़ाइयां करते हैं, छीना छपटी, उन सब में भी आप ऊपर की तरफ नहीं जा सकते, और वहां सेटल वर्ल्ड्स में उनको बहुत दर्दनाक अनुभव होते हैं। सूक्ष्म संसार और अच्छी नींद लेना उनके लिए बहुत कठिन होता है, सेटल वर्ल्ड्स में भी नहीं जा सकते और नींद भी नहीं ले सकते। ऐसे अटैचमेंट्स हमको सेटल वर्ल्ड्स में बाधा पहुंचाते हैं। हाँ, एक व्यक्ति, थोड़ा जल्दी शॉर्ट में बता रही हूँ, एक व्यक्ति मान लीजिए कोई कानून तोड़ता है, क्राइम कर रहा है, छल कपट कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, पर वो जेल चला गया, सजा भुगत लिया, बोले वो ज्यादा लकी है जो जेल तक के नहीं गया है, वो सोच रहा है कि मुझे कोई नहीं दिख रहा है, पर वहां पर उसको थोड़ी देर के लिए जागृत करके उसके किए हुए कर्म को दिखाएंगे और वहां पर उसको पता चलेगा कि वो कितना गलत काम कर रहा है, और वहां पर उसको कई बैड एक्सपीरियंस भी होते हैं, बहुत डिटेल में है, मैं बहुत शॉर्ट में बता रही हूँ। तो जितने भी धोखेबाज या छल कपट करके कमाते हैं लोग, उनको वहां पर प्रताड़ित, मतलब दुख वाले एक्सपीरियंस होंगे, और नेचर उनको दिखाएगी कि तुम क्या कर रहे हो। ऐसे ही रामपा ने भी कहा है कि जितने भी फाइनेंसर, सूदखोर, जमींदार लोग रहते हैं, वो जब जाते हैं तब वहां पे उनको पश्चाताप होता है, और फिर क्या करते हैं, वहां पे तो देख लिए, दुख भी कर लिए, फिर यहाँ पे आएंगे, पर यहाँ पे तो उनको याद नहीं है कि मैं वहां पे क्या करके आया, तो वहां का एक्सपीरियंस उनको यहाँ पे सही करने का, सही काम करने के लिए नहीं देगा अलाउड, फिर यहाँ पे कर्म करेंगे, फिर कर्म को भुगतने के लिए पृथ्वी पे आएंगे, तो वहां का ज्ञान आपके पास तभी फायदा करेगा जब आप वहां पे भी अवेकन रहेंगे, अगर सोए सोए वहां पे चले गए तो कोई मतलब नहीं है। तो जब तक कि कोई डिटैचमेंट का पालन नहीं करता, सटल वर्ल्ड्स में अपने टाइम को बर्बाद कर रहा है और अपने ही जाल में फंसा रहता है। तो बोलते हैं डॉकम कि अगर आप ऐसे पूछेंगे तो आपको लगेगा कि अरे बापरे, हमारे पास क्या कार नहीं होनी चाहिए, पैसा नहीं होना चाहिए, क्या सुख की चीजें नहीं होनी चाहिए, तो बोलता है बिल्कुल हो, आपके पास अच्छा कार हो, घर हो, कैश हो, अच्छे अच्छे इक्विपमेंट्स हो, फर्नीचर हो, पर आप इसका उपयोग भी करें, पर इसको आप बेहतर सेवा के लिए समझें कि इससे मैं कोई बेहतर सेवा कर सकूं। उन चीजों से अपने आप को तादाद मत करिए, अटैच मतलब आइडेंटिफाइड मत करिए अपने आप को, और आप समझिए कि ये आपको नेचर ने दिए हैं और मदद करने के लिए दिए हैं। कौन सी मदद करने के लिए? आध्यात्मिक क्रिएटिविटी और सेवा करने के लिए, तो इनका उपयोग वहां पे करिए। अगर आप इनसे आइडेंटिफाइड हो जाएंगे तो आप एक एक्सप्लोजिव चीजों को अपने सटल बॉडीज में डाल रहे हैं। ये भी छोड़ देती हूँ क्योंकि टाइम हो रहा है, पर एक शॉर्ट में बताती हूँ कि कभी कभी कई लोगों के अंतःकरण नहीं बनते हैं, फिर भी सोलर एंजल उनको हायर वर्ल्ड्स में ले जाते हैं, उनको वहां पे रिवॉर्ड दिया जाता है इसलिए, या कोई इंस्ट्रक्शन देना होता है इसलिए, या आगे कोई संकट आने वाला है, या आगे कोई अपॉर्चुनिटी आने वाली है, तो वो सोल को समझाते हैं कि आप प्रिपेयर्ड रहिए, आपके पास ये अपॉर्चुनिटी आएगी, आप लीजिएगा और करिएगा, ऐसे करके सोलर एंजल्स मतलब इतनी मदद करता है। अब जब कोई व्यक्ति बहुत एडवांस है, अब वो अपने शरीर को छोड़ सकता है और अपने शरीर को खाली कर सकता है एक हायर बींग्स को आने के लिए, ताकि उस शरीर को यूज करके मानवता के लिए ज्ञान को पहुंचाया जा सके। आप लोग सेहत मास्टर के बारे में जानते हैं कि जेन रॉबर्ट्स अपने स्वेच्छा से अपने शरीर को खाली करती थी और सेठ मास्टर्स की सोल एंड जो थी
वो आके पूरा उनके हस्बैंड को लिखवाती थी। तो यहाँ पर उन्हीं का ही सेठ मास्टर ने लिखे, उन्होंने बस जिक्र किया है कि ज्ञान दे सकती है, और स्पेशली कहा है कि ये मीडियमशिप नहीं है। मीडियमशिप एस्ट्रल वर्ल्ड में सिर्फ एक सर्कस की भांति है। अब ये तो एंटिटी के लिए खाली करी बॉडी, पर कई आत्माएं जो एडवांस हैं, वो अपनी इच्छा से और अपनी सोलर एंजल्स की मदद से सो जाता है। अपनी इच्छा रहेगी और सोलर एंजल्स मदद करेंगे, सो जाएगा, और फिर वो हायर वर्ल्ड्स में जाकर, मतलब हायर मेंटल वर्ल्ड और इंट्यूशनल प्लेन में प्रवेश करता है, और वहां से ज्ञान अनुभव को लाकर अपने ब्रेन के माध्यम से सोते हुए शरीर में से बताता है, ट्रांसमिट करता है, और उसके आसपास के जो लोग रहेंगे वो लिखेंगे। ये भी मतलब उसकी खुद सोल गई है वहां से, हायर प्लेन से लाके ट्रांस में बता रही है। बताइए कितना नीम का हाई इवॉल्व सोल्स लोग फायदा उठाती हैं, ताकि आसपास के लोग उसके इंस्ट्रक्शन और ज्ञान को रिकॉर्ड कर सके। जो व्यक्ति जितनी गहरी नींद में जाता है वो उतना ही अधिक ज्ञान एकत्रित करता है, उसकी लाइफ उतनी ही ब्लिसफुल, एनर्जेटिक, उत्साही, महान, क्रिएटिविटी से भरपूर बन जाती है। कभी कभी हम रात को सो जाने के बाद, मेरे साथ तो नहीं होता, आप लोग के साथ कभी होता होगा तो मालूम नहीं, कई लोग बोलते हैं कि हम लोग रात को नींद में 3-2 बजे नींद खुल गई, फिर उसके बाद नींद नहीं आई, तो उसके लिए टॉर्कॉम कहते हैं कि क्यों होता है ऐसा। उन्होंने कहा कि ऐसे समय में अगर आपको नींद नहीं आ रही और आपकी नींद खुल गई है, तो आप अच्छी शिक्षाओं की बुक पढ़िए। टीचिंग्स मतलब जो हमारे एनलाइटन मास्टर्स हैं उनकी टीचिंग की बुक पढ़िए। क्यों पढ़ना है इसको भी ये बता रहा है कि हम ऐसे परिस्थितियों में क्यों आते हैं। सटल वर्ल्ड्स में कुछ अटैक होते हैं, चाहे वो डार्क एंटिटीज के द्वारा हो, किसी और के बुरे विचारों के द्वारा हो आप पे अटैक, या डार्क फोर्सेस के द्वारा अटैक हो, तो आपकी सटल बॉडीज वहां पे घायल हो जाती है। तो वो जो घायल बॉडी है वो फिर फिजिकल बॉडी में वापस तुरंत आ जाती है कि नहीं अब वहां पे नहीं रहना है। अब वो जैसे आएगी आपके हार्ट में एक झटका लगेगा और आप उठ के बैठ जाएंगे कि पता नहीं मेरी नींद क्यों खराब हो गई। और फिर आप अगर टीचिंग्स की बुक पढ़ेंगे तो फिर आप अच्छे से सोने के लिए तैयार हैं, क्योंकि आपकी सटल बॉडीज पे करेज मिल जाता है कि यस, जो भी मेरे ऊपर हमला हुआ है, मैं फिर से सोने के लिए तैयार हूँ। तो उस समय टीचिंग की बुक पढ़िए। ऐसी लड़ाइयां हरेक कोई लगभग कई बार महसूस कर सकते हैं, पर जब ऐसी लड़ाइयां हम जब लड़ते हैं और वापस आते हैं, अगर हमने वो लड़ाई जीत ली, तो जब हम लौटेंगे तो हम बहुत ही खुशी और एनर्जी महसूस करते हैं सवेरे उठ के, क्योंकि हमने वहां पे विक्ट्री पाई है। पर ऐसी लड़ाइयों के बाद अगर जब हार के लौटता है, तो उसको बहुत थकावट महसूस होती है। बहुत बार मेरे को कई थर्ड आई मास्टर्स बताते हैं कि ये थर्ड आई मतलब डार्क फोर्सेस या निगेटिविटी लोगों की हमारे साथ लड़ाई करती है, इसीलिए पेन होता है। मतलब मेरे को बताए हैं कई बार, पर मैं ध्यान नहीं देती। पर जब इस चैप्टर को पढ़ रही थी तो मुझे उनकी बातें याद आ रही थी कि वाकई हमारे ऊपर सटल बॉडीज के ऊपर अटैक हो सकता है। यहाँ जहां पर भी हम सोते हैं वहां पर कोई भी जानवरों की गंध नहीं होनी चाहिए। मैं कुछ फ्रेंड्स लोगों को बताना चाहूंगी, टॉरकॉम पैट्स के बहुत बहुत खिलाफ हैं। मैंने इनके ऊपर एक दो आर्टिकल पढ़े हैं, एक दो मैसेज, जिनको आप पढ़ेंगे तो जो पैट्स रख रहे हैं उनको खराब लगेगा। इसीलिए मैंने अपने ज्ञान भारत ग्रुप में नहीं डाला, क्योंकि मैं पैट लवर हूँ, मुझे बहुत पसंद है डॉग्स कैट्स, तो पर वो मना करते हैं। पर उसके बावजूद उनके शिष्य लोग पालते हैं, मैं देखती हूँ। तो वो आपकी इच्छा है, फ्री विल है। पर ये कहते हैं कि जब वो जानवर आपके रूम में आता है, आपके पेट्स, क्योंकि इतने प्यारे हो जाते हैं कि आपके बेडरूम में, आपके किचन तक के चले जाते हैं, हर जगह, क्योंकि उनको नहीं मालूम कि ये मेरी बाउंड्री है, यहाँ पे मुझे नहीं जाना है। तो वो हम हरेक कोई सबसे एक उत्सर्जन होता है, इमिनेशन होता है ना, उत्सर्जन होते रहता है, जानवरों से भी होते हैं। उसके लिए टॉरकॉम कई बार कहते हैं
कि जानवरों को मतलब पेट्स को मत पालिए, अगर पालना है तो घर के बाहर जैसे घोड़े ओड़े लोग रखते हैं ना वैसे आप रखिए, पर घर के अंदर नहीं रखना है। तो यहाँ पर इस चैप्टर में बहुत बार इसके बारे में बोले हैं, तो आप लोग मत सोचना कि मैं बोल रही हूँ। तो जहां पर भी आप सोते हैं वहां पे जानवरों की कोई गंध नहीं होनी चाहिए, और यदि यूकिलिप्टस यानी कि नीलगिरी, पेपरमिंट या ओलिव ऑयल का आप अगर दीपक जला के सुगंधित कर लेते हैं तो वहां पर आपके ऊपर कोई भी डार्क फोर्स अटैक नहीं करेगी। और जितने समय भी आप सोने के पहले जागते हैं, मतलब जागने की जो अवस्था होती है, उस समय आपको सबसे ज्यादा मेडिटेशन करना है, प्रेयर करते रहना है, रीडिंग करते रहना है। भाई जैसे अब रात का टाइम हो गया तो आप रीडिंग करिए ताकि आपकी आत्मा तैयार हो जाए कि हाँ अब टाइम आ गया, मुझे सेटल वर्ल्ड्स में जाना है, तो आप उस समय प्रेयर रीडिंग और मेडिटेशन करते रहे। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है, चलिए मैं इसको बहुत ज्यादा नहीं है, एक ऐसा चक्र है जो हमारी नींद से सबसे ज्यादा रिलेटेड है, वो है मणिपुर चक्र यानी कि सोलर प्लेक्सस। अभी तक कि मुझे भी नहीं मालूम था इस चैप्टर को पढ़ने के पहले। ये बताते हैं कि आपका जो सोलर प्लेक्सस है उसका सूर्य के साथ रोटेशन से वो मेल खाता है, और आपके मैं सोलर प्लेक्सस बोलूं कि मणिपुर बोलूं, आप मणिपुर में जल्दी समझेंगे, तो मैं मणिपुर चक्र बोलती हूँ, ठीक है। आपका मणिपुर चक्र का प्रत्येक रोटेशन, हर रोटेशन आपको कॉस्मिक मैग्नेट के साथ संबंध स्थापित करता है। कॉस्मिक मैग्नेट क्या है? यूनिवर्स का वो सेंटर जो इनविजिबल है और सब उससे कनेक्टेड है, जिसको हम केंद्र बोले इस ब्रह्मांड का। हमारा सोलर प्लेक्सस मणिपुर चक्र का हर रोटेशन उसके साथ कॉस्मिक मैग्नेट के साथ संबंध स्थापित करता है। इसीलिए सनसेट के बाद अपने इस मणिपुर चक्र को तनाव से बचाना बहुत बहुत ज्यादा आवश्यक है। इसीलिए जीसस क्राइस्ट ने कहा है कि सनसेट से पहले अपने झगड़ों को सुलझा लेना चाहिए। मैंने कई बार इनके कोटेशन को आपको बताया है कि कभी भी आप गुस्से में मत सोइए। टॉर्कोम बहुत बार इसका जिक्र करते हैं कि सनसेट के पहले अपने झगड़ों को सुलझा देना चाहिए और दूसरे को माफ करके ही सोना चाहिए। रात के दौरान अगर आप रात के समय में जब घृणा करते हैं किसी से या शत्रुता के विचार लाते हुए सोते हैं, तब आपका सोलर प्लेक्स मणिपुर चक्र के रोटेशन रिवर्स होने शुरू हो जाते हैं, और जब वो रिवर्स होंगे तो बहुत ज्यादा नेगेटिव रिजल्ट्स देंगे। एक मिनट, इसके कारण आपको डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, लिवर और पैनक्रियाज में प्रॉब्लम हो सकते हैं, प्रोस्टेट और जनरेटिव ऑर्गन्स प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। रोटेशन को सामान्य रखने के लिए, मतलब हम बिल्कुल अच्छे से रोटेशन करें, उसके लिए जो भी सिस्टम है आपके सिस्टम में पॉइजन है, जैसे घृणा, निगेटिविटी, किसी से रिवेंज लेना, इन सब से आपको बचना चाहिए। क्षमा और प्रेम पूर्ण समझ रखें, या रात को सोने के पहले आप गर्म पानी में वार्मवुड ऑयल, उसको क्या बोलते हैं मुझे नहीं मालूम, वार्मवुड ऑयल को डालकर स्नान करना चाहिए। कई लोग रात को जब नींद में सोते हैं तो जो उनकी बॉडी निकलती है ना, ये विड्रॉल करते हैं जब, तो वो मणिपुर चक्र के से निकलते हैं, और जब भी किसी व्यक्ति के मणिपुर चक्र का रोटेशन उल्टा हो जाता है तो व्यक्ति की नींद में खलल पड़ती है। देखिए, रोटेशन हमेशा क्लॉकवाइज होना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज नहीं होना चाहिए, क्लॉकवाइज होना चाहिए, जैसे घड़ी घूमती है ना वैसे। तो अगर मान लो उल्टा हो गया तो वो सो भी नहीं पाएगा अच्छे से, और उसकी सटल बॉडीज भी निकलने में कठिनाई होगी और वापस आने में भी कठिनाई होगी। इतना सब कुछ होता है, और ऐसा व्यक्ति न केवल संसार में बल्कि सटल वर्ल्ड्स में भी अपने नेगेटिविटी को लेकर जाता है। जिन लोगों के मणिपुर चक्र उल्टी दिशा में घूमते हैं, उनके दिल और दिमाग दोनों का संतुलन बिगड़ जाता है, हार्ट एंड ब्रेन का संतुलन बिगड़ जाता है,
और ऐसे लोग बहुत ही नकारात्मक तरीके से सोचते और महसूस करना शुरू कर देते हैं। यानी कि आप ये समझ लीजिए कि मणिपुर चक्रा अधिकांश मनुष्यों के लिए एक सेंट्रल स्टेशन है। इसमें हाई और लोअर सेक्शन है, हायर भी है मणिपुर चक्रा के और लोअर सेक्शन भी है। पर ये और यहीं पर ही हमारी सारी हीलिंग एनर्जी जाती है। जैसे हमको हील होना है इमोशनली या फिजिकली, तो सारी हीलिंग एनर्जीज हमारी मणिपुर वाला मणिपुर चक्रा ही रिसीव करेगा। तो जब वही उल्टा घूम रहा है तो कहां से आपके पास हीलिंग एनर्जीज आएगी? तो इसलिए अगर आपका ये उल्टा घूम रहा है तो हीलिंग एनर्जी के लिए कोई रास्ता नहीं बचता। और अगर ये रोटेशन रिवर्स में ही जारी रहता है तो व्यक्ति का स्वास्थ्य धीरे धीरे खराब होने लग जाता है। उसका लोगों के साथ संबंध नकारात्मक, हानिकारक और खेदजनक होते जाता है। आप लोगों की आंखों में इस मणिपुर चक्र के उलटफेर को देख सकते हैं, आप उसके आचरण में, बातचीत में देख सकते हैं। ऐसे लोगों को रिवर्स पीपल कहा जाता है। वे जो भी सुनते हैं उसको उलट देते हैं, जो भी सीखते हैं उसका उलट तरीके से उपयोग करते हैं। अब ये रोटेशन का मैं दिखा के बंद करूंगी, है ना? तो यहाँ पे मैं अच्छे से नहीं दिखा पा रही हूँ क्योंकि मैं गूगल में जो ढूंढ रही थी ना वो प्रॉपर तरीके से मुझे अच्छा नहीं मिल रहा था। पर ये क्लॉकवाइज घूमना चाहिए अपना, और ये अब आप समझ गए कि सोलर प्लेक्स हमारा प्लेक्सस हमारा कितना इम्पोर्टेंट है। मैं जैसे आप लोगों को हमेशा बोलती हूँ कि मेरे पास सिर्फ एक ही गॉड गिफ्ट है एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन का, कि मुझे अपनी एनर्जी मालूम चलती है और मुझे अपने रोटेशन भी मालूम चलते हैं, खासकर मेरा आज्ञा और सहस्त्रार। बाकी इधर उधर का मुझे चक्र का रोटेशन नहीं पता चलता। हाँ, मूलाधार का मुझे मालूम चलता है और मैं बकायदा देखती हूँ कि वो क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, पर कभी स्पीड में कभी कम स्पीड में। जैसे मैंने सोचना शुरू किया तो उसकी स्पीड थोड़ी कम हो जाएगी, पर जैसे मैं डीप मेडिटेशन में जाने लग जाती हूँ तो मेरी स्पीड उस चक्र की बढ़ जाती है। और यदि मान लो अचानक किसी के लिए मेरे को कोई निगेटिव विचार आया, मैं बहुत रिसर्च करती हूँ अपनी एनर्जीज के ऊपर, जैसे मान लो किसी के ऊपर मेरे को कोई गुस्से वाली चीज याद आ गई, अब मेडिटेशन में कभी कभी आ भी जाती है, पूरे टाइम तो हम ट्रांस में नहीं रहते, किसी के लिए मेरे को नेगेटिव विचार आ गया, तुरंत उसके रोटेशन में और उसकी एनर्जी में फर्क पता चलना शुरू हो जाता है और मैं तुरंत अपने आप को अलर्ट कर लेती हूँ कि मेरा ये रोटेशन वही है, मेरा क्लॉकवाइज ही है, अभी रोटेशन उल्टा नहीं हुआ है, मेरा सहस्त्रार क्लॉकवाइज ही घूम रहा है। पर उसकी स्पीड में और जो वो ब्रह्मांड से जो एनर्जी गिरती है इस चक्रा में मेरे, उसकी फ्रीक्वेंसी में, उसकी वेवलेंथ में मेरे को पता चल जाता है कि मैं नेगेटिव विचार सोच रही हूँ। फिर तुरंत मैं अच्छी चीज सोचूंगी या ब्रेथ के ऊपर ही ध्यान दूंगी, पर मैं उसको हटाऊंगी। और अगर किसी समय मैं मजबूर हो जाती हूँ कि वो नेगेटिव इमोशन मैं नहीं निकाल पा रही हूँ, क्योंकि कभी कभी किसी दिन हम बहुत ज्यादा हर्ट हो जाते हैं, तो उसी समय मैं अपने मेडिटेशन को क्लोज कर देती हूँ, फिर चाहे वो 50 मिनट्स ही हुआ, फिर उसके करती। तो मैं अपने रोटेशन के द्वारा आप लोग को बता रही हूँ कि ये रोटेशन क्लॉकवाइज में ही घूमना चाहिए। तो यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि जिनका रिवर्स हो जाता है, देखिए वो बहुत ही नेगेटिव हो जाएंगे। बहुत लोग आपको अपनी लाइफ में मिलेंगे जो बहुत ज्यादा नेगेटिव, मतलब आप एक सिंपल बात बोलोगे तो वो नेगेटिव ले लेंगे, छोटी सी अगर बात बोलोगे तो उनको बुरा लग जाएगा और वो नेगेटिव वे में ले जाएंगे। तो हमको समझना चाहिए कि उनका उल्टा घूम रहा है तो घूमते रहने देना चाहिए और ज्यादा देर उनके पास मत रहना चाहिए। टॉरकॉम कहते हैं कि आप अगर किसी की निंदा को या गपशप को सिर्फ सुनते हैं, सिर्फ सुन रहे हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं, सिर्फ सुनते हैं, तो आपका मणिपुर चक्र अस्थायी रूप से रिवर्स घूमना शुरू कर देता है। और यदि हम ऐसे व्यवहार में इंगेज हो जाते हैं, संलग्न हो जाते हैं, तो वो उल्टी स्थिति स्थायी हो जाती है, परमानेंट हो जाएगा। आप पूरे समय किसी की बुराई कर रहे हैं, हाँ फोन में बात कर रहे हैं, मैं इसलिए ये कोटेशन को सेम टू सेम बोल रही हूँ ताकि आप लोग समझिए। अगर कोई आपकी फ्रेंड, क्लोज फ्रेंड भी सिर्फ नेगेटिव चीजों के बारे में बता रही है तो आप मत सुनिए, आपका ही चक्र घूमने लग जाएगा उल्टा, क्यों करना। तो उस समय आपकी स्थायी हो जाती है। और सोते समय ऐसे लोग सटल वर्ड्स में तनाव और उल्टे सपने देखते हैं और दूसरे केंद्र भी हो सकता है कि उलटने शुरू हो जाए।
और अगर इस रिवर्स, अगर आप इस उल्टे रोटेशन के स्थिति में हैं, तो टॉर्क हम कहते हैं कि आप उस पोजीशन में हैं कि जैसे आप अपनी नाव को एक झरने के पास बचाने की कोशिश कर रहे हैं। पर कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है, हर चीज कर सकते हैं। मेडिटेशन के द्वारा आपका हो सकता है, अच्छे थॉट्स, प्रार्थना, और स्ट्राइविंग में वो हमेशा जोर देते हैं। स्ट्राइविंग मतलब जब आप किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मेहनत करते हैं, प्रयास करते हैं, वो या वामवुड ऑयल या मसाज या अच्छे फ्रेंड्स इन खतरों को कम करते हैं कि आपके रोटेशन को उल्टा करें। मेडिटेशन, प्रेयर, स्ट्राइविंग, वामवुड ऑयल, मसाज या अच्छे फ्रेंड्स, ठीक है। और आखिरी में 2 मिनट, दो ही चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ के लिए, जो हमारे जीवन को समृद्ध बनाती है, खुश करके रखती है। पहला है फॉरगिवनेस और दूसरा है स्वीट मेमोरीज, हमारी गुड मेमोरीज। तो पहली बात है माफ कर देने से, फॉरगिवनेस के ऊपर मैंने बहुत बोल चुका है इसलिए मैं एकदम शॉर्ट में बता रही हूँ, है ना। माफ कर देने से आप अपनी और दूसरों की जीवन को भी सेव कर सकते हैं। हम अपने आप को कैसे बचाते हैं, उससे हमारा कनेक्शन कट जाता है, कोई चैनलिंग का आना जाना नहीं होता एनर्जी का, और हम उसको भी माफ कर देते हैं, तो उसको भी एक मौका देते हैं कि तुम ठीक है अपने सोलर एंजल्स के साथ काम करके अच्छा व्यवहार करो। बहुत डिटेल में है, ठीक है। और आपकी जो गुड मेमोरीज हैं वो ऑटोमेटिक लुब्रिकेंट्स का काम करती हैं। लुब्रिकेंट्स मतलब जो चिकनाई होती है ना, कोई भी मशीन को चलाने के लिए चिकनाई की जरूरत होती है, अपन ऑयल डालते हैं। हमारे पूरे मैकेनिज्म के लिए भी एक लुब्रिकेशन का कोई काम करता है, तो वो हमारी गुड मेमोरीज हैं। और मणिपुर चक्र मानव शरीर के लिए बहुत बड़ा भाग का, मतलब हमारे पूरी बॉडी का जो लुब्रिकेंट सबसे ज्यादा है वो हमारे मणिपुर चक्र का है, समझ लीजिए, है ना। अगर वो प्रॉपर है तो अपनी मशीनरी सब अच्छी चलेगी, मेंटल, इमोशनल एंड फिजिकल। और अगर रिवर्स है तो फिर कुछ भी काम नहीं करेगा। गुड मेमोरीज, सभी चक्र आपके प्रॉपर रोटेट होंगे, क्योंकि गुड मेमोरीज आपकी सोर्स ऑफ जॉय है, जो सभी सेंटर्स के लिए फूड प्रोवाइड करता है। गुड मेमोरीज आपको बेटर थिंकिंग देता है, जॉयफुल बनाता है, ज्यादा जीवंत मतलब वाइटल बना के रखता है। और गुड मेमोरीज का संबंध आपके फॉरगिवनेस से भी होता है। हमारे लाइफ एनर्जी के डिस्ट्रीब्यूटर्स, हमारे सेंटर्स, ये चक्रास हैं। अगर ये प्रॉपर रोटेशन में काम करेंगे तो आपकी लाइफ एनर्जी मतलब प्राण शक्ति आपकी बढ़ती जाएगी, और अगर ये उल्टे घूमेंगे तो आपकी वाइटल एनर्जी कम होती चली जाएगी। हमारे चक्रास ऐसे पंप हैं जो सीधा क्लॉकवाइज घूमने में पूरे जगह पानी को सप्लाई करता है, और अगर उल्टा घूमेंगे तो पूरी जगह से पानी को खींच लेता है। मृत्यु के समय सेंटर्स उल्टा घूमना शुरू कर देते हैं, और ये रिवर्स मोशन सोलर प्लेक्सस यानी हमारे मणिपुर चक्र से शुरू होता है। यानी कि जब मृत्यु आने वाली रहेगी तो पता चलेगा मुझे थोड़ा बहुत, है ना, बता दूंगी बिल्कुल। अब अचानक होगी तो मैं नहीं कह सकती, बाकी ऐसे बता के जाऊंगी, है ना। स्ट्राइविंग और मेडिटेशन के द्वारा हम सेंटर्स को प्रॉपर रोटेशन के लिए निर्देशित करते हैं, ठीक है। स्ट्राइविंग अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, और मेडिटेशन के द्वारा हमारा मैकेनिज्म प्रेम, आनंद और प्राण, हमारे मैकेनिज्म को प्रेम, आनंद और प्राण ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और हमारी इस प्राण ऊर्जा की एनर्जी को फ्लो करने में तीन ही चीजें बाधा करती हैं, हार्मफुल एक्शंस, किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए जब आप काम करते हो, रिवेंज की भावना मतलब फॉरगिवनेस नहीं है आपका, और बैड मेमोरीज, ये ऑब्स्टिकल है। इसके कारण ही चक्र उल्टे घूमना शुरू कर देते हैं, और पहला चक्र जो उल्टा घूमता है इन हार्मफुल एक्शन और रिवेंज और बैड मेमोरीज के कारण, जैसे मान लीजिए आपको किसी ने दुख दिया, आपके पास बहुत बैड मेमोरीज है, बहुत होती है ना भाई, अगर आप उसको सोच रहे हैं तो आप सोच लेना कि सबसे पहले आपका मणिपुर चक्र उल्टा घूमना शुरू होगा, फिर अगर वो मान लो स्थायी रूप से घूमता रहेगा तो दूसरे चक्र भी आपके घूमेंगे उल्टा। और याद रखना, इस पंप का उदाहरण देकर मैंने आप लोग को इसलिए समझाया कि जब आपका उल्टा घूमेगा तो आपकी एनर्जी डिप्लीट होगी, और फिर आप
कहेंगे कि मैडम हम तो 3 घंटा मेडिटेशन कर रहे हैं, हमको तो हीलिंग ही नहीं हो रही है। तो हीलिंग कहाँ से होएगी जब तक कि आप अपने इमोशन, अपने थॉट्स के बारे में नहीं सोचेंगे। हमेशा दूसरों के लिए, आपको भलाई के लिए, दूसरों के लिए मंगल के लिए सोच के सोना चाहिए। कितना भी मुझे कोई हर्ट कर ले, कम से कम रात को क्या होता है, जब हम रात को बिस्तर में सोने जाते हैं ना, तो दिन भर हम अपने कामों में ना भूल जाते हैं। किसी आदमी ने इंसल्ट कर दी, मान लीजिए किसी ने मेरे को बहुत गंदा बोल दिया, मैं दिन भर अपने काम में बिजी रहूंगी, मैं भूल जाऊंगी। पर जैसे बिस्तर में जाऊंगी, मुझे सबसे पहले उस आदमी की वो बात याद आएगी कि उसने आज मेरे को ऐसा बोला था। ये हमारे थॉट फॉर्म्स हैं जो हमको फिर से अटैक करके बताते हैं कि अरे ऐसा ऐसा हुआ था। उस समय जब मैंने ये एजलेस विजडम पढ़ना शुरू किया, उस समय से अभी तक के जैसे मेरे पास कोई थॉट आते, तो मैं बोलती हूँ ब्लेसर, ब्लेसिंग, ब्लेसर, ब्लेसिंग, जो भी है उसको मैं ब्लेस कर देती हूँ। छोड़ो यूनिवर्स जाने और कुछ, भाई मुझे तो, मैं तो बिगर पिक्चर को नहीं देख रही हूँ। हो सकता है मेरे ही कर्मा है जो मेरे को रिटर्न हो रहे हूँ, है ना, या वो नया कर्मा बना रहा है, तो मैं क्यों इन्वॉल्व हूँ। छोड़ो ना, जो होगा अपने आप यूनिवर्स देखेगा। हम जितना हो सके अपने ऊपर ध्यान दें कि हम क्या कर सकते हैं। और रात को अगर आप ऐसे नेगेटिव सीरियल्स देखकर या नेगेटिव इमोशन के साथ सोएंगे, तो आपकी नींद सिर्फ आपकी एक रिचार्जिंग प्रोसेस का काम करेगी। सुबह ले उठेंगे वैसे ही आपको थके थके उठेंगे। मैं सुबह उठती हूँ ना, तो कई बार इतनी ज्यादा एनर्जेटिक होती हूँ, मेरे हस्बैंड बोलते क्या हो गया तुम, क्या लॉटरी में लग गई थी क्या तुमको सपने में। कभी कभी एकदम हाई एनर्जी रहती है, और कभी मीडियम, मतलब ठीक मीडियम रहती है, पर कभी बहुत लो भी रहती है। ऐसा मैं नहीं बोलूंगी कि मैं सातों दिन हफ्ते में एकदम हाई एनर्जी के साथ ही उठती हूँ, पर फिर भी बहुत अच्छे मूड से ही उठती हूँ। तो आपको भी अपने रूम में क्या नहीं रखना है और क्या रखना है, कैसे करना है, आप सब जानते हैं। रात का आखिरी काम हमारा मेडिटेशन होना चाहिए, क्योंकि मेडिटेशन के बाद हमारा माइंड थोड़ा सा, ब्रेन वेव जो होती है अल्फा में चली जाती है, और अल्फा से नीचे थीटा और डेल्टा में जाने में इजी होता है। तो पहले मेडिटेशन करो, फिर सोने जाओ, और जो भी प्रिकॉशन बताई हूँ आप लोग फॉलो करिए तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, वामवुड ऑयल को पता नहीं कौन सा कड़ी कुछ बोलते हैं, आप लोग ढूंढ सकते हैं। तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फ्रेंड्स, इतने प्यार से इस चैप्टर को सुनने के लिए। आप लोग को समझाते समझाते मुझे और अच्छे से समझ में आ गया। तो यदि कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं, नहीं तो हम हाँ, अंजलि जी बोल रही है एक बार वीडियो और देखना होगा। देखिए अभी मैंने इसको बहुत शॉर्ट में किया है, मतलब बहुत सी वो थी चीजें जो मेरे को छोड़नी पड़ी। थैंक यू, थैंक यू। मैं चाहती हूं कि धीरे धीरे आप इनके हर शब्द से वाकिफ होते चले जाएं। जैसे एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है, हायर मेंटल प्लेन है, ये सब चीजें आप लोगों को मालूम रहनी चाहिए। हाँ हाँ अशोक, नमस्ते नीता जी। मुझे इतना ही पूछना है कि एस्ट्रल ट्रैवल ये जबरदस्ती करने की जरूरत है या अपने आप जब होगा उसके ऊपर छोड़ना चाहिए? मुझे तो लगता है, मैं तो आई विल नेवर डू। जैसे आप बोलते हैं आप डरते हो, मैं डरती तो नहीं हूं, लेकिन मुझे जबरदस्ती नहीं जाना है कहीं बिन बुलाए मेहमान जैसे। अगर आई एम फिट टू गो, मुझे बुलावा आएगा तब मैं जाऊंगी। तो उसके लिए आशा जी कि आप एस्ट्रल वर्ल्ड में नहीं जाती, आप ऐसा सोचती है तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में है। क्या नहीं, अननोइंगली जाते तो पता नहीं, हाँ। लेकिन नोइंगली मुझे उसका वो जो एक्सपेरिमेंट है ना वो करना नहीं है। हाँ तो मत करिए ना, आपको मैंने कब कहा कि आप करिए? नहीं नहीं ऐसा नहीं, लेकिन आप वो डिटेल में बोल रहे थे ना, आप डर लगता है वो सब। अगर आप हम लोग अपने आप जाते हैं वो पता नहीं, मुझे कुछ मेमोरी, हाँ कभी कभी मुझे, मैंने एक दिन आपको बोला था, मुझे सपने में प्रॉपरली दिखता है तो ठीक है, अदरवाइज मुझे कभी भी कुछ भी याद नहीं रहता है सपना। हाँ तो आप लिखना चाहते हैं तो पेन पेपर लेके रखिए, क्योंकि मॉर्निंग के टाइम में मुझे भी 70% याद रहता है कि मैंने क्या देखा मोस्टली। कभी अचानक नहीं उठी तो, क्योंकि मेरा अलार्म बजता है तो मैं उठती हूँ,
तो कई बार अलार्म से अपन चौंक के उठते हैं तो भूल जाती हूँ, नहीं तो जैसे आज मुझे मालूम था कि मैंने क्या देखा था, पर वो यही याद नहीं आ रहा है कि मैंने क्या देखा था। नहीं ऐसे यानी प्रॉपर अगर कुछ याद रखने जैसा है तो शायद याद आएगा, या शायद मैंने कितनी बार कहां जा, तो एक एक वीडियो में भी देखा है मैंने कि वो बोलते हैं आप कहीं भी जाओ, जैसे अगर शंबाला भी जाके आओ आपको याद नहीं रहेगा करके। तो मैंने इसीलिए तो वो सारे पॉइंट्स बताए कि क्यों हमारा सोलर इंजन काट देता है, और कई बार हमारी सोल बोलती है कि ठीक है भाई काट दो, मेरे को नीचे अपने चुपचाप से काम करना है, मेरे को कोई अहंकार वगैरह नहीं हूं, मैं ऐसे ऐसे क्वालिटीज को डेवलप करूंगी और खुद इच्छा करके फिर अपने हायर सेंसेस को डेवलप करके वो लोअर ब्रिज को बनाऊंगी, अभी अभी नहीं, अभी मेरे को ऐसे ही काम करने दो। हाँ मुझे भी ऐसे ही लगा, अगर हम ध्यान से इतना इवॉल्व हो गए धीरे धीरे अपने आप वहां जाने लगे, अपने आप याद भी रखने लगे तो इट इज ओके ऐसे करके। देखिए कॉन्शियस एस्ट्रल ट्रेवल करने के लिए रामपा बोलते हैं, हाँ मैं उनकी बुक को आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ, पर मैं कभी भी किसी को फोर्स नहीं करती, मैं सिर्फ उनके विजडम को आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। टेलीपैथी हो, साइकोमेट्री हो, अभी बहुत सारे चैप्टर्स आएंगे आप लोग के सामने, और इसी स्लीप मतलब ड्रीम्स एंड एस्ट्रल वर्ल्ड का 31 जुलाई को वीडियो अपलोड होगा। तो सबसे बड़ा चैप्टर है और सबसे खूबसूरत चैप्टर है आज जो मैंने बताया है, वो आप 31 जुलाई को सोल साइंस में अलग तरीके से सुनेंगे, पर इसको आप रिलेट कर पाएंगे जो आज मैंने बोला है ना, इससे आप उसको रिलेट कर पाएंगे कि रामपा भी वही बोल रहे हैं कि यहाँ पर हम भ्रम देखते हैं और स्लीप क्यों मतलब ड्रीम्स क्यों आते हैं या और भी कई चीजें हैं, आप देखिएगा। और बहुत कम ही दिन बचे हैं तो आप लोग देख सकते हैं उस दिन, है ना। और कॉन्शियस एस्ट्रल ट्रेवल के लिए जो आप पूछ रही हैं, मैंने कभी नहीं कहा कि आप लोग करिए, अगर करना है तो आप लोग करिए और नहीं करना है तो बिल्कुल मत करिए। बाकी हम लगभग सभी लोग एस्ट्रल वर्ल्ड में जाते हैं, पर कुछ लोग उसका फायदा उठा के आ पाते हैं और कुछ लोग फायदा उठा के नहीं आ पाते, क्योंकि यहाँ पर जो आप काम करते हैं ना बिल्कुल सटल वर्ल्ड में वही काम करते हैं। यहाँ पे सिर्फ अगर आप परिवार के लिए जी रहे हैं, किसी के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं, आपको पड़ोसी से भी मतलब नहीं है, मतलब आप किसी के लिए भी कुछ नहीं कर रहे, तो वहां पे भी जाएंगे बढ़िया अपना एंजॉय करेंगे और आ जाएंगे वापस। पर अगर आप किसी दूसरे के लिए कुछ करना चाह रहे हैं या आपको कोई ज्ञान का, आपको बुक्स का, रीडिंग का शौक है, तो वहां पर मास्टर्स हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में आपका वेट कर रहे हैं कि वो आपको ज्ञान दे। नीता जी आपने ये सब बोला तो थोड़ा लालच हो गया मुझे बुक का, तो मैं बहुत, मेरे टेबल पे 4 बुक्स रहते हैं हमेशा, आधा आधा घंटा एक एक बुक पढ़ती हूँ। आपने ये बुक का बोला तो मुझे लगा वहां क्या बुक का नॉलेज मिल सकता है, वो थोड़ा लालच हो गया। तो मुझे लगता है अगर वो चाहते हैं हायर मास्टर्स कि मैं उसके लिए फिट हूँ, जब फिट हूँ तो मुझे बुला के वो ज्ञान देंगे मुझे। बिल्कुल, और मैं जैसे बार बार आप लोग को कहती हूँ कि देखिए नीता भुजवानी हर एक घर तक के तो नहीं पहुंच सकती, आपके फ्रेंड्स रिलेटिव्स लोग के पास, है ना, आप लोग तक के पहुंची मैं, आप लोग अपने फ्रेंड्स लोगों को, अपने रिलेटिव्स लोगों को अच्छे अच्छे वीडियोस की लिंक भेजा करिए, बोलने दीजिए उनको पागल, पहले तो आप चुपचाप से स्पिरिचुअल रियलिटी का भेज दीजिए, फिर एक दो कोई अच्छा वाला पत्री सर का या किसी भी ग्रुप का एक भेज दीजिए, कभी हो सकता है वो क्लिक कर दे और उनके मन के में एक बीज डल जाए कि मेडिटेशन अच्छी चीज है। हो सकता है एक दिन आपको फोन करके बोले मेडिटेशन सिखाओ, तो आपको अपने लेवल पे काम करने के लिए मेहनत करनी चाहिए और लोगों को मेडिटेशन और आत्मज्ञान पहुंचाने का जिम्मा लेना चाहिए, ठीक है? यस, चलिए। हाँ वैभवी जी। हेलो मैम, नमस्ते मैम। मैं आपका जो सुने ना, इट वाज एक्चुअली वेरी ब्यूटीफुल, और मैं अपने आप को रेजोनेट करके मैं 2 एक्सपीरियंसेस शेयर करना चाहूँगी। लाइक आई डू मेडिटेशन फ्रॉम लॉन्ग इयर्स। तो एक्चुअली मेरी एक फ्रेंड थी, उनको डॉटर थी, शी हैड थैलेसीमिया, एंड उनका क्या प्रॉब्लम था कि शी वॉन्टेड उनकी मम्मी को चिल्ड्रन चाहिए थे कि वे हु कैन गिव हर द दिस थिंग बोन मैरो ट्रांसप्लांट कर सके, सेम मैच। थैलेसीमिया पेशेंट में क्या होता है, उनको हर महीने ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो होती है ना, तो वो 14
Yeah, so she wanted the same match. She was like trying to, you know, like do IVF ये सब कर रही थी, but she was not successful. तो I was little bit concerned. मतलब मुझे थोड़ा उनका concern था, पता नहीं क्या. मतलब एक बार मैंने सपने में देखा, जैसे मेरे जो गुरुजी हैं, तो वो मुझे कह रहे हैं कि उनको बोलो मेरे पास आने के लिए. I saw, तो मैंने ऐसे ही lightly लिया कि and even she is the follower of same path. तो मैंने सुबह में उनको बोला कि अरे आई यू नो सॉ दिस ड्रीम एंड आई डोंट नो, जस्ट डोंट टेक इट सीरियस. ऐसे आया होगा बिकॉज मे बी वी आर टॉकिंग और ऐसे माइंड में रहते हैं. एंड दैट डे माई मास्टर हैड कम इन द सिटी एंड शी हैड रिटन द लेटर एंड शी गेव इट टू द सेक्रेटरी एंड सेक्रेटरी गेव इट टू द मास्टर एंड मास्टर टोल्ड द सेम वर्ड्स, टेल हर टू कम टू मी. एंड दैट थिंग व्हेन शी हर्ड दैट शी टोल्ड मी, अरे जो तूने मेरे को बोला था वही चीज, you know, it happened. And when she met the master, she went and spoke this problem ki bhai main conceive do teen baar US gayi thi but she couldn't you know like get that match, us match nahi mil rahe the jo unko chahiye the. Then immediately in India she went in south and she did their IVF and she conceived. She in fact got twins aur unme se ek baby ne unki daughter matlab sister ko bone marrow transplant kiya. Now she is all right. So this was, I don't know how it happened, but it was matlab ye pehle cheez hui aur baad mein same cheez unke samne wahi cheez aayi. So this happened once. Aur dusri baar meri mother in law she passed away and I was like she was also a follower of a path and she was also like in satsangs and meditation. So I used to remember her. To unhone mujhe ek bar sapne mein bola ki aap mujhe aise nahi bolo आने के लिए डाउन. आई एम हैप्पी हियर एंड यू प्लीज डोंट कॉल मी बिकॉज आप लोग सत्संग में जाते हो और आप लोग ही ऐसे क्यों करते हो अटैचमेंट. एंड शी वॉज लाइक गेटिंग लिटिल एंग्री ऑन मी बट शी टोल्ड नहीं आई हैव अ पीपल हियर, आई एम विद सम पीपल एंड दे आर टेलिंग मी दैट नहीं आपको जाना पड़ेगा थोड़े समय के बाद में एंड आई विल बी कमिंग डाउन. एंड आफ्टर कपल ऑफ ईयर्स आई गॉट माई डॉटर. So these things I was resonating, मतलब मुझे याद आ रही थी चीजें सारी experiences जो आप बोल रहे थे ना. तो it really happened with me. It was I like मेरे ये तो close में ये दो तो अभी मुझे याद आ रहे हैं. So 100% whatever you said it was completely true, मतलब ये सच है जो आप बोल रहे थे. यस यस. और इसीलिए मैं आप लोग को कहती हूँ कि आप लोग ये मत सोचा करिए कि एजलेस विजडम मैं सिर्फ टीचिंग वालों के लिए बोल रही हूँ. एक साधारण आदमी भी कितने काम कर सकता है. सिर्फ जो मेडिटेशन सिखा रहा है वही काम नहीं कर रहा है. बहुत लोग कोई क्या बोलना चाहिए, सामाजिक सेवा कर रहे हैं, कई लोग बच्चों को पढ़ा रहे हैं, या अपने ही आप अपने फ्रेंड सर्कल में या अपने रिलेटिव लोगों को आप कितनी हेल्प करते हैं. हम जैसे आपने बोले ना, देखिए कैसे हम रास्ता दिखा सकते हैं लोगों को, शांति को, ऑपरेशन, मतलब वो बोलते हैं ना हर चीज आप कर सकते हैं. आपके पास सर्विस का वहां पे बहुत बड़ा क्षेत्र होता है, पर आप अच्छे से सोए तब जाके आप अच्छे प्लेन में जाएंगे, नहीं तो नीचे के ही प्लेन में फंसे हुए के वापस आ जाएंगे. नो मैम, आपने जो भी बोला ना, एक एक अक्षर इट इज 100% ट्रू एंड उसमें कोई भी गुंजाइश नहीं. It is happening. ये हो रहे हैं. And your way of this thing is बहुत, आप बहुत अच्छे से बोलते हैं, इतना दिल को छू जाता है. Means बहुत ऐसे goosebumps, मतलब बहुत अच्छा लगता है. And it is, I am really privileged कि I am in your company and I really benefit a lot always. So heartfelt gratitude, ma'am, to you. You have given so many, I mean beautiful, you know, like आपने जो topics लिए हैं बहुत ही प्यारे हैं. और आप जो भी प्लेटफॉर्म में लेके आते हैं ना, जिनको भी, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं. आई मीन दे आर सो इनोसेंट एंड आई रियली लव देम ऑल. तो थैंक यू वेरी मच मैम फॉर एवरीथिंग. हार्टफेल्ट ग्रेटिट्यूड मैम, ऑलवेज ऑलवेज थैंक यू मैम. चलिए फ्रेंड्स, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो आप लोग अगर कंफ्यूज हैं तो फिर से इस यूट्यूब में आप इसको देख सकते हैं. जितना मैं शॉर्ट कर सकती थी मैंने शॉर्ट किया था, पर फिर भी मुझे लगा कि अब काफी आप लोग को मैं जब एजलेस विजडम के बारे में बताऊंगी तो इसीलिए मैं थोड़ा सा अब आप लोगों के माइंड में वो डालना चालू कर रही हूँ कि हायर मेंटल वर्ल्ड बोलूं तो आप समझ जाओ. मैं हर बार नहीं एग्जाम्पल देके बताऊंगी ना, तो इसीलिए थोड़ा सा डिटेल हो गया. तो चलिए फ्रेंड्स, कल अमित पुंज अंगिरस का बहुत ही सुंदर सेशन है,
आप लोग बिल्कुल जुड़िएगा। और परसों से हमारे सिर्फ इंटेंस मेडिटेशन है, ठीक है? कल मिलते हैं, बाय बाय, गुड नाइट, शपक है।